ओके तो आज हम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स। तो टुडेज टॉपिक इज ऑप्शन ग्रीक सेशन टू। आज मैं हिंदी में ही बोलूंगा पंकज, चलेगा सबको? लिटिल बिट इंग्लिश, राइट? ओके, अगर माइक में कोई इश्यू हो या कोई भी इश्यू हो बीच में तो जस्ट लेट मी नो, राइट? ओके, सो अभी हम लोग सभी ऑप्शंस में ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, ओके okay? लेकिन ऑप्शन ग्रीक्स क्या है वो सबको नहीं मालूम होता है। तो टुडे वी विल नो हाउ द ऑप्शंस प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय द ऑप्शन ग्रीक्स। ऑलराइट, तो सबको मालूम होगा कि ऑप्शन में ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, टीटा, वेगा। बट आज हम उसके अंदर डीप जाएंगे और समझेंगे कि वो कैसे बनते हैं। सो व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक्स? जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में वेरियस वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी, लीवर, वैसे ही ऑप्शन एक बॉडी समझ लो तो उसके अंदर वेरियस ऑर्गन्स होते हैं और उसको बोलते हैं ग्रीक्स, लाइक डेल्टा, गामा, टीटा, वेगा, वो सब। और जैसे हमारी बॉडी का एक शेप बनता है विथ वेरियस ऑप्शंस, विथ वेरियस ऑर्गन्स, वैसे ही ऑप्शंस के अंदर भी ग्रीक से एक ऑप्शन की प्राइस निकल के आती है। तो बेसिकली सबको मालूम है कि ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर सेलर के बीच में, जैसे कि आप कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो, तो आप ऑब्लाइज हो जाते हो कि एट द एंड ऑफ एक्सपायरी आप बाय करने वाले हो वो फ्यूचर। ओके, सो जैसे कोई भी ऑप्शन अगर आईटीएम में एक्सपायर हो जाएगा तो तुम्हें उसका कॉन्ट्रैक्ट परचेज करना पड़ेगा, और अगर ओटीएम में हो गया तो उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, वो हम बाद में सीखेंगे। सो व्हाट इज ऑप्शन? तो इन शॉर्ट ऑप्शन थोड़ा बेसिक चलेगा पहले और बाद में डिटेल में आएंगे, ठीक है? तो ऑप्शन का मतलब क्या है कि ऑप्शन का मतलब है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे बिजनेसमैन क्या करते हैं, कोई जमीन में अगर कोई ट्रेडिंग करता हो, लैंड ट्रेडिंग, तो उसमें क्या होता है कि जैसे 1 करोड़ की जमीन है लेकिन किसी के पास 1 करोड़ है नहीं, ओके okay? और अगर किसी के पास 1 करोड़ नहीं है तो वो क्या करता है, टोकन देता है 1 लाख रुपया या वो सब। और जैसे ही अगर 1 करोड़ की जमीन का भाव 1 करोड़ 20 लाख हो गया तो वो क्या करेगा कि मुझे 1 लाख की जगह आप 2 या 3 लाख दे दो और ये जगह ले जाओ, ओके? तो उसका हो गया प्रीमियम। तो उसी वही सेम कॉन्सेप्ट ऑप्शन में, जैसे पहले सब लोग ट्रेड करते थे तो अभी लोग क्या करते हैं, वो इक्विटी में ये ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑप्शन है फ्यूचर का डेरिवेटिव है, ओके? तो लोग बिजनेसमैन क्या करते हैं, हाई में सेल करते हैं और लो में बाय करते हैं। तो सभी लोगों को क्या लगता है कि ऑप्शंस आर मीट फॉर द सेलिंग? यस इट इज, बट या अभी पीपल ज्वाइंट हो रहे हैं तो आई विल लेट लेट देम ज्वाइन, या एंड आफ्टर 9 और सो आई विल नॉट अलाउ एनीबडी, राइट? क्योंकि वो रिलीवेंट नहीं होगा। तो ऑप्शंस आई थिंक जस्ट वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। या दोज हू मिस्ड द ट्रिक फर्स्ट स्लाइड जस्ट रिपीट। या ऑप्शन ग्रीक्स में क्या होता है कि जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से ऑप्शन में भी वेरियस ग्रीक्स होते हैं और उस ग्रीक्स के ऑप्शंस बनते हैं। और ऑप्शन क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सबको क्या करना है कि आफ्टर एक्सपायरी वो फ्यूचर बाय करना है, ओके? बट जनरली जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ये सब मालूम नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, इंट्राडे बाय करते हैं या एक्सपायरी को निकल जाते हैं। लेकिन जो प्योर इन्वेस्टर है, जो जिसको फ्यूचर में लॉन्ग करना है, वो लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन से उसको अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। तो ऑप्शंस मींस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। और बिजनेसमैन क्या करता है कि सेलिंग हाई में सेल करता है और लो में बाय करता है। जैसे हमने जमीन का एक एग्जांपल बताया आपकी 1 करोड़ की जमीन है और अगर आपके पास 1 करोड़ नहीं है तो आप क्या करोगे, उसका वायदा बताओगे कि मैं 1 महीने बाद ये करूं, आपकी जमीन का पैसा पूरा पूरा दे दूंगा, अभी आप 1 लाख टोकन रखो, ओके? और मीनवाइल इन विद इन अ मंथ अगर उसका 1 करोड़ से 1 लाख 20 लाख भाव हो गया तो उसको 20 लाख प्रीमियम मिलेगा, ओके? तो ऑप्शंस में बेसिक टर्मिनोलॉजी है लाइक क्लास, कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक्सपायरी, बट वो टाइम एक्सपेक्टिंग किया सभी लोग
ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सब बेसिक आपको मालूम होगा, तो हम उसको पूरे बेसिक में नहीं जाएंगे। ओके, नाउ वर्सेटिलिटी ऑफ ऑप्शन। तो ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो टॉप का रिप्लेसमेंट हो सकता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टॉक 1 महीने बाद खरीदना है और आपके वो थोड़ा डाउट है कि ये स्टॉक ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, विथ फ्यू मनी और योर फ्यू इन्वेस्टमेंट यू कैन बाय द ऑप्शंस। दूसरा उसका यूज क्या है कि वो हेजिंग के लिए भी यूज होता है। जैसे किसी का पोर्टफोलियो है या किसी की लॉन्ग पोजिशन है और सडनली मार्केट डाउन हो गया तो, और उसको अपनी पोजिशन से निकलना नहीं है, तो वो क्या करेगा, पुट बाय करेगा या कॉल सेल करेगा। वेरियस स्ट्रेटजीज है उसके लिए, वो भी हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। लेवरेज, लेवरेज मानी क्या होता है, जब अगर किसी के पास 10 या 15 लाख या 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो उससे आपको मार्जिन मिलता है, तो वो मार्जिन का यूज आप ऑप्शंस बाइंग में कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो हेज करने के लिए। नाउ इनकम स्ट्रेटजीज, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिसको स्ट्रेटजीज आती है तो वो लोग क्या करेंगे कि वो स्ट्रेटजी का यूज करके ऑप्शंस को ट्रेडिंग करेंगे और अपनी रेगुलर इनकम बनाएंगे। फिफ्थ यूज क्या है उसका, कि ऑप्शन ट्रेडिंग विथ वेरियस स्ट्रेटजीज। ऐसे सबको मालूम है कि स्ट्रेटजीज के नाम लाइक ट्रायंगल, स्ट्रेडल, बुल कॉल लैडर वो सब है, तो वो लोग जिसको आता है वो लोग उसको अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि सेलिंग के लिए ही बने, अगर किसी को आता है तो वो बाय भी कर सकता है और किसी को अगर सेफ खेलना है तो वो सेल भी कर सकता है। डिपेंड्स कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है और आपको कितना बिजनेस का अंदर डीप नॉलेज है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस में एक्सपर्टाइज हो गए तो आपको मालूम है कि आपका रिस्क कितना होता है, तो इफ यू नो द रिस्क यू कैन बाय द ऑप्शन। सो इन शॉर्ट, पूरा खेल रिस्क का है ऑप्शन के अंदर। वंस योर रिस्क हैज बीन डिफाइंड यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बाय और यू कैन सेल, और अपना क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हो। ओके, बट उसके लिए क्या चाहिए आपको, शार्प एक्सपीरियंस एज वेल एज द नॉलेज ऑफ ग्रीक्स इन डिटेल। नाउ ऑप्शंस में मनी रेज होते हैं सबको मालूम होता है, लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,000, तो वो 17,000 का ATM होता है और ये सब पुट साइड है और ये कॉल साइड है। तो ऊपर के ऑप्शन OTM बोलते हैं, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, नीचे में बोलते हैं ITM। जैसे ये कॉल का ITM हुआ, पुट का ITM हुआ, कॉल का OTM, पुट का OTM। आई नो सबको मालूम है, बट जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज। जैसे ये आज की ऑप्शन चेन है 16 दिसंबर। ओके, तो 16 दिसंबर आज का क्या है स्पॉट, 17,511। तो नजदीक की जो स्ट्राइक है वो ATM है हमारी। ओके, ऊपर के OTM है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, दीज आर मीट फॉर द सेलिंग, OTMs आर मीट फॉर द सेलिंग, और इसके अंदर कुछ वैल्यू है उसको बोलते हैं इन द मनी। जैसे कॉल में भी इन द मनी है, पुट में भी इन द मनी है। नाउ एडवांस ऑप्शन चेन ऐसे दिखाई देता है जिसके अंदर डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो सभी आपको दिखाई देते हैं। सो दोज हु नो द ग्रीक्स कैन इजीली नो द वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस। प्राइस और वैल्यू दोनों का डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जिसको ये सब मालूम है ना वो लोग को, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा कि कौन सा ऑप्शंस बाय करना है और कब करना है, या कौन सा ऑप्शन सेल करना है या कब करना है। इसमें जैसे डेल्टा वैल्यू, थीटा वैल्यू, गामा वैल्यू, वेगा वैल्यू एंड रो, तो ये सभी को इकट्ठा करके ये प्राइस बनता है ऑप्शन का, LTP जो बोलते हैं ना वो। ठीक है, नाउ ऑप्शन ट्रेडिंग, तो व्यूज फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन जैसे कोई इक्विटी है या फ्यूचर है तो उसमें हम क्या करते हैं, आइदर बाय सेल बाय करेंगे कब, कि जब वो बढ़ता है, और सेल करेंगे तब कब तक, कि जब वो गिरता है। लेकिन ऑप्शंस में फ्लेक्सिबिलिटी है कि मार्केट कहीं भी जाए फिर भी आप लोग ऑप्शंस से पैसा कमा सकते हो। एंड देर आर वेरियस स्ट्रेटजीज वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर। तो बुलिश में क्या होता है, जैसे प्राइस अप हो रहा है
तो हम कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं। बेरिश में क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हैं। और आइदर वेज और वॉलेटाइल, आइदर वेज में मानी आपको कंफ्यूजन है या ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन यहां से आइदर बहुत फास्ट ऊपर जाएगा या बहुत फास्ट नीचे आएगा, आपको मालूम नहीं है कहां पे जाएगा, डायरेक्शन में आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तब आप आइदर वेज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। और ऑसिलेट मानी अगर कोई कोई भी फ्यूचर या कोई भी इक्विटी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है या कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर है तो उसको बोलते हैं ऑसिलेट, और उसके लिए भी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी अलग है। इन शॉर्ट ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटेजी हम हर रोज यूज करेंगे, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। एंड इफ योर व्यू इज क्लियर, आप वो स्ट्रेटेजी यूज करो तो ही तभी आपको उसके अंदर पैसे मिलेंगे, वरना एडजस्टमेंट करने के लिए पीछे भागोगे और लॉस होगा। सो अंटिल एंड अनलेस योर व्यू इज नॉट क्लियर, योर ऑप्शन विल नॉट गिव यू द गुड गुड फ्रूट। नाउ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जैसे बुलिश है, जैसे कोई भी स्टॉक बढ़ रहा है आपकी स्ट्रेट, जैसे हमने पहले प्राइस एक्शन में देखा कि शॉर्ट प्योर डाउन ट्रेंड है, प्योर डाउन ट्रेंड के अंदर कोई आपको बुलिश कैंडल या बुलिश कोई भी सेटअप हो आपका, या आप कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके हिसाब से और आपके सेटअप में कोई भी स्टॉक बुलिश आया तो आप लॉन्ग कॉल, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल लैडर, शॉर्ट पुट, ऐसे सब स्ट्रेटजीज यूज करके पैसा कमा सकते हो। और उसकी इन सभी के पे ऑफ ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एज पर द रिस्क एपेटाइज, और ये सभी हम फ्यूचर में सीखेंगे, एक भी स्ट्रेटजी हम बाकी नहीं रखेंगे, सभी स्ट्रेटजी सीखेंगे इन फ्यूचर। ओके, सो किसी के पास हमें जाना नहीं पड़े ढूंढने के लिए, और इसके भी एडजस्टमेंट होते हैं वो भी हम बाद में सीखेंगे। बेरिश तो वैन आपको मालूम है, जैसे अभी निफ्टी में हमने बोला था कि निफ्टी में टू ब्लैक क्रो का हुआ था प्राइस एक्शन, तो तब हमें क्या करना था, बेरिश स्ट्रेटेजी यूज करनी थी, पुट में लॉन्ग होना था या बेयर कॉल लेना, बेयर कॉल का स्प्रेड लेना था या बेयर पुट स्प्रेड लेना था, या कोई भी बेरिश स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने बेरिश साइड पे ये बुलिश स्ट्रेटेजी यूज की है तो उसको गारंटेड लॉस होगा। तो जिसको सिर्फ स्ट्रेटेजी का नाम मालूम है और वो ट्रेड कर रहे हैं वो लोगों को लॉस हो रहा है, एंड दैट इज द फैक्ट। वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अभी मार्केट बेरिश हो गया है, एंड स्टिल दे आर होल्डिंग द बेयर कॉल लेटर, एंड दैट्स हाउ दे फेल टू ट्रेड द फ्यूचर, सॉरी टू ट्रेड द ऑप्शन। जैसे कोई स्टॉक आइदर वे लाइक प्राइस को मालूम नहीं है किसी को, जैसे 14,000 लाइक 17,500 पे निफ्टी आया, ओके, और आपका सेटअप ऐसा बोल रहा है कि यहां से आइदर मार्केट अप जाएगा या आइदर मार्केट डाउन जाएगा, ओके, आपका सेटअप बोल रहा है या आपका कोई भी प्राइस एक्शन बोल रहा है, तो वी फोकस ऑन द प्राइस एक्शन। तो जैसे प्राइस एक्शन के ऊपर हम कोई भी स्टॉक आया लाइक सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, ओके, एंड वो सपोर्ट एकदम क्रूशियल है और वहां पे कोई भी प्राइस एक्शन अभी तक बन नहीं रही है, ओके, तो उस समय हमें क्या करना है कि हमें वॉलेटाइल स्ट्रेटेजी यूज करनी है। उसमें क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल मानी लॉन्ग स्ट्रेडल और लॉन्ग ट्रायंगल, लॉन्ग स्ट्रेडल मानी कॉलर पुट बाय करते हैं एक ही स्ट्राइक के, एटीएम के, तो उसको लॉन्ग ट्रेडल बोलते हैं। लॉन्ग ट्रायंगल में क्या है कि ओटीएम स्ट्राइक बाय करती है, ओके, सो जैसे आइदर वे का मतलब क्या होता है, कोई स्टॉक जैसे गिर रहा है, ओके, और उसके प्रीवियस स्विंग लो के सपोर्ट के ऊपर आया और वहां पे अगर कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है तो क्या करोगे, तो आपको तो मालूम नहीं कि प्राइस एक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उस समय आप क्या कर सकते हो कि ये कोई भी एक स्ट्रेटजी है या आइदर वे की, वो यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि बाद में क्या होगा कि अगर सब या तो वो सपोर्ट तोड़ेगा या तो वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उसकी नेकलाइन के ऊपर स्टॉक आ गया, ओके, तो अब क्या करना है, कभी कभार क्या होता है नेकलाइन से स्टॉक ऊपर भी जाता है और नेकलाइन ब्रेक करके या फॉल्स ब्रेकआउट देके वो ऊपर भी आ सकता है, ओके, तो उस समय क्या करेंगे, अगर आपको वो ट्रेड करना है ऑप्शन के अंदर तो आपको लॉन्ग ट्रेडल या लॉन्ग ट्रायंगल या लॉन्ग गट्स, लॉन्ग स्ट्रैप, लॉन्ग स्ट्रिप, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी से उनमें से कोई भी एक स्ट्रेटेजी यूज करके वो
पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। और ऑसिलेट, तो ऑसिलेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक रेंज में भर गया है, जैसे पंकज को मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी था वो अभी 2-3 दिन में रेंज में था, तो उस समय आप डायगोनल कॉल या डायगोनल पुट या शॉर्टकट या ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते तो आपको ज्यादा पैसा, वो आपको गारंटेड प्रॉफिट देती। और उस रेंज में से अगर वो शिफ्ट होकर ऊपर चला जाता है तो आप एक जो भी आपको मालूम है कि अगर वो लॉन्ग हो गया फॉर एग्जाम्पल, अपर रेंज तोड़ डाली है, ओके, तो ऊपर की रेंज तोड़ डाली मतलब वो बुलिश हो गया, तो फिर पुट बाय किया है या कॉल सेल किया है तो उसमें रहने का कोई फायदा है नहीं, उसमें से निकल जाओ, ओके, एंड यू कैन कन्वर्ट योर पोजिशन इंटू वन ऑफ द स्ट्रेटेजी यूजिंग द जो भी आपका लेगे वो। एक लेग क्या होगा कि एक लेग प्लस होगा और एक लेग माइनस होगा, ओके, तो उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं, जैसे आपका व्यू ऑसिलेट था, आपने किया है शॉर्ट ट्रेडल, ओके, अभी क्या हुआ वो रेंज की ब्रेकआउट तो हो गया, तो रेंज का ब्रेकआउट हो गया तो आपको एडजस्टमेंट करना है। तो आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है कि जो भी आपका प्रॉफिटेबल ऑप्शन है वो तो अंदर ही रहेगा आपके पास, लेकिन आपको कहाँ से निकलना है, जो आपको लॉस दे रहा है वो निकलना है। और फिर अगर आपको सभी स्ट्रेटेजी बाय हार्ट है तो आप क्या करोगे, एक ऑप्शन जो है वो तो आपको 100% प्रॉफिट दे रहा है और वो दूसरा है उसमें से निकल जाके यहां से कोई एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है कि ये करना है कि वो करना है, अगर आपको ये सभी स्ट्रेटेजी आती है तो आपका और आपका व्यू क्लियर है तो आपको मालूम है कि जैसे बैरिश स्टॉक है, ओके, बैरिश में से वो चला गया रेंज के अंदर, ओके, तो बैरिश में से क्या करना है, एक ऑप्शन यूज करके आपको ये कोई भी स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्जन ऑफ योर स्ट्रेटेजी इंटू डिफरेंट स्ट्रेटेजी वेन एवर द व्यू इज चेंज्ड, तो जब भी आपका व्यू चेंज हो रहा है या आपका एनालिसिस गलत हो रहा है तब आप जो भी स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करते हो उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरा शॉर्ट ट्रेडल था अभी मैं उसका एडजस्टमेंट कैसे करूं, बट भैया आपका शॉर्ट ट्रेडल तो आपने लिया था, ओके, लेकिन आपका व्यू क्या था, ऑसिलेशन का था, मार्केट बेयरिश है तो आपने शॉर्ट ट्रेडल क्यों लिया है, मैं राइट और रॉन्ग, सही है ना ये, कि अगर प्रॉब्लम क्या है कि सबको शॉर्ट ट्रेडल मालूम है लेकिन शॉर्ट ट्रेडल का यूज नहीं मालूम है, एक्चुअली शॉर्ट ट्रेडल बना है ऑसिलेट मार्केट के लिए, ओके, और हर रोज शॉर्ट ट्रेडल यूज करते हैं, तो वो तो गलत हुआ ना, उसमें तो कभी भी आपको तो फिर क्या होगा, जैसे भी उसकी रेंज में से शिफ्ट हो जाएगा बराबर, तो अगर वो शिफ्ट हो गया तो समझो आपका लॉस चालू हो गया, ओके, तो दिस इज हाउ द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वर्क। इन शॉर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कब वर्क करती है, जब आपका व्यू सही हो, अगर आपका व्यू बुलिश है तो ये रखो, अगर आपका व्यू बेरिश है तो ये स्ट्रेटेजी यूज करो, अगर आपका वे आइदर वे है तो ये यूज करो, अगर आपको लगता है कि स्टॉक रेंज में है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस एक्शन से वो सब मालूम हो जाता है तो वो ये यूज करो। इसीलिए हमने पहले क्या लिया था, पहले सेशन में प्राइस एक्शन लिया था, नाउ ऑप्शन ग्रीक्स, ओके, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस वर्सेस वैल्यू, जैसे व्हेन आई वाज इन लंदन मुझे मालूम था कि एक बार पहले आईफोन लॉन्च हुआ था, ओके, तो जब आईफोन लॉन्च हुआ तो क्या हुआ था कि उनका सप्लाई था नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया, कूपन बेचने का चालू किया कि आप जैसे आईफोन तो अभी हमारे पास है नहीं तो आप ऐसा करो ये कूपन ले जाओ उसकी प्राइस है 10,000 रुपीज़। तो अगर किसी को आईफोन चाहिए था तो हम क्या करते थे, कुछ लोग ज्यादा कूपन ले आते थे आईफोन की, क्योंकि मालूम है कि आईफोन की डिमांड ज्यादा है, ओके, तो डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, वो कूपन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे कोई हमें 10,000 के सामने 15,000 रुपीज़ भी दे सकता है, कोई 20,000 भी देगा, क्योंकि उसको क्या है कि वो फोन चाहिए ही चाहिए, ओके, तो आईफोन की वैल्यू तो फिक्स है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि 42,500 उसकी प्राइस फिक्स है, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ाता कौन है,
हम लोग सप्लाई डिमांड का जो भी मिसमैच होता है वो उसकी वैल्यू बढ़ाता है, तो उसकी एमआरपी फिक्स है 42,500। तो ऑप्शंस में भी वैसा होता है, वो तो प्राइस हमारी जो स्पॉट है वो तो फिक्स होती है चेंज होके, बराबर। लेकिन ऑप्शंस के भाव प्लस माइनस, जैसे अभी ऑप्शन 17,500 चल रहा है, तो कोई 17,600 भी, 600 में भी का खरीद भी सकता है, या कोई 17,600 का बेच भी सकता है। दैट इज हिज और हर ओन पर्सनल व्यू, और वो सब हम ओआई डेटा से कैच कर पाते हैं डेटा, क्योंकि ऑप्शन सेल कौन करते हैं कि एफआईआई डीआईआई करते हैं जनरली, तो वो ओआई डेटा से हमें मालूम हो जाता है कि कौन सी स्ट्राइक पे कौन से कहाँ पे ज्यादा सेलिंग हो रहा है। इन शॉर्ट किसकी कौन से ऑप्शन की वैल्यू ज्यादा है ना, वो हमें पता चल जाता है। और वंस वी नो द वैल्यू रादर देन प्राइस, वी कैन इजिली ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक। अदरवाइज ओटीएम में भी लोग ट्रेड करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर बोलते हैं कि साहब इतना बढ़ गया लेकिन हमारे ऑप्शन का प्राइस बढ़ा नहीं, जैसे आज भी हुआ था। ओके, सो ऑप्शन ग्रिस का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वैल्यू के साथ बाय कर रहे हैं ना कि प्राइस के साथ। अगर प्राइस के साथ करना है आपको तो आइदर आप स्पॉट बाय करो, निफ्टी फ्यूचर बाय करो, या इक्विटी में कर रहे तो पर्टिकुलर इक्विटी करो, तो उसको बोलते हैं प्राइस। उसमें कोई भी वैल्यू छुपी है नहीं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर वैल्यू छुपी है। तो वो कितनी वैल्यू है वो आपको कौन बताएगा? ऑप्शन ग्रीक्स। ओके, सो इन शॉर्ट वो सप्लाई और डिमांड से इसकी वैल्यू बनती है ऑप्शन की। तो वी आर ट्रेडिंग द वैल्यू नॉट द प्राइस। नाउ ऑप्शन ग्रीक्स क्या है? तो इन शॉर्ट ग्रीक्स आर कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स माने एक कैलकुलेशन होता है, उससे ऑप्शन का प्रीमियम वो सभी ग्रीक्स कंबाइन हो के ऑप्शन का एक प्रीमियम बनता है। वो हम हमने बताया आगे ऑप्शन चेन के अंदर कि डेल्टा गामा थीटा वेगा वो सब मिक्स होके कैसे बना, वो हम बाद में अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि डेल्टा क्या है थीटा क्या है, उसकी वैल्यू कैसे बनती है और उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल यूज क्या है। ओके, तो ऑप्शन ग्रीक्स आर यूज टू मेजर द रिस्क ऑफ ऑप्शन। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको रिस्क मेजर करना आ गया, जस्ट लाइक वॉलेटिलिटी, ओके इज आर रिस्क, तो अगर आपको ये रिस्क मेजर करना आ गया तो इसका मतलब आपको अपना स्टॉप लॉस मालूम हो गया। एंड वंस यू नो योर स्टॉप लॉस यू कैन चिल आउट एंड डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड। ओके, सो दैट्स हाउ द ग्रीक हेल्प। ओके, और ग्रीक्स है वो बहुत सारे ग्रीक्स है, लेकिन बेसिक ग्रीक्स डेल्टा गामा टीटा वेगा एंड रो है। सो व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स? तो देर आर माइनर ग्रीक्स विच आर नॉट यूज्ड एज ऑपन टू मेजर द रिस्क फैक्टर। ओके, कुछ माइनर भी है जैसे वेगा वरना चाइम स्पीड, वो सब भी ऑप्शन ग्रीक्स है, लेकिन वो कोई सिखाता है नहीं, क्योंकि वो क्या है कि जैसे जिस किसी का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तब वो लोग यूज करते हैं, वो डेरिवेटिव के भी डेरिवेटिव है, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ग्रीक्स आर इसेंशियल टूल्स इन रिस्क मैनेजमेंट दैट कैन हेल्प ऑप्शन ट्रेडर्स और हेजर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट व्हाट एंड व्हाट व्हेन टू ट्रेड। तो ग्रीक्स क्या है? आपको बताएंगे कि आपको क्या ट्रेड करना है और कब ट्रेड करना है। ओके, तो जिसको ग्रीक्स मालूम नहीं है वो सिर्फ, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ हवा में पतंग उड़ाते हैं, वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको ऑप्शन की वैल्यू मालूम है नहीं, और वो लोग क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं हर रोज, और एट द एंड क्या होता है? लॉस। नाउ ऑप्शन ग्रीक्स दूसरा क्या करते हैं? सो दे हैव टू हैव डिफरेंट फैक्टर्स सच एज प्राइस चेंज, इंटरेस्ट रेट चेंज, वॉलेटालिटी एंड टाइम ऑफ द प्राइस। जैसे वॉलेटालिटी चेंज होगी तो ऑप्शंस का भाव चेंज हो सकता है, जैसे आपको आगे बताएंगे। इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो भी उसका भाव चेंज हो सकता है, प्राइस चेंज होगी तो भी उसका ऑप्शंस का रेट चेंज हो सकता है, और जैसे टाइम चला जाता है व्हेन वी आर कमिंग नियर एक्सपायरी, तब क्या होता है नियर एक्सपायरी के अंदर वो ऑप्शंस का वैल्यू जीरो हो जाता है। नाउ
प्राइमरी की. तो दीज आर कैलकुलेटेड फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल. तो ब्लैक एंड शोल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये ऑप्शंस का कैलकुलेशन किया है और एंड वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला. ओके, सो डेल्टा वेगा थीटा गामा एंड रो आर द प्राइमरी क्रिक्स और मेजर क्रिक्स. जो जो भी एडवांस ऑप्शन चेन देखते हैं हर रोज, उनको मालूम होगा कि ये सभी ग्रीक्स की वैल्यूज अंदर लिखी हुई होती है. और वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होती है, वो ट्रेड करने के लिए होती है. ओके, नाउ माइनर ग्रीक्स. तो दीज ग्रीक्स आर सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द प्राइसिंग मॉडल. ओके, तो डेरिवेटिव माने क्या हुआ, जैसे गाड़ी की स्पीड है और वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की स्पीड लाइक किलोमीटर है तो किलोमीटर पर आवर, तो वो इस एक वेरिएबल होगा. किलोमीटर पर आवर पर सेकंड करोगे तो वो एक दूसरा वेरिएबल होगा. तो एक से ऊपर से हम दूसरा डिराइव करेंगे. ओके, और दूसरे के ऊपर से हम तीसरा कुछ बनाएंगे तो उसको हम डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव कहेंगे. जैसे एक चावल है, राइस है, तो राइस के हमने उबाल के एक खाने के लिए बनाया पुलाव जैसा, तो वो हो गया एक डेरिवेटिव. और अगर पुलाव से हम कुछ नई आइटम बनाएंगे तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया. ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चावल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव खाने के उबाले हुए राइस, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मसाला डाल के हमने जो भी पकाया और कुछ नई आइटम बनाई, तीसरी आइटम. चावल तो वही था जैसे गेहूं था, गेहूं में से रोटी बनाया, तो गेहूं हुआ फर्स्ट ऑर्डर, रोटी बनाई तो रोटी हुई सेकंड ऑर्डर. ओके, वो डेरिवेटिव हुआ. जैसे उसी तरह से निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस के ऊपर से हमने क्या बनाया, फ्यूचर का प्राइस, तो फ्यूचर का प्राइस डेरिवेटिव हुआ. और फ्यूचर के प्राइस से हमने ऑप्शंस का भाव बनाया तो वो उसका भी डेरिवेटिव हुआ. ओके, तो उसी तरह से ग्रीक्स में भी ऐसा है कि डेल्टा के ऊपर से भी दूसरा उसका डेल्टा अपॉन टाइम करे तो उसका एक नया डेरिवेटिव बन गया, उसको बोलते हैं माइनर ग्रीक्स. तो डेल्टा को भी हम किसी के साथ से डिवाइड करेंगे या उस डेल्टा में से कुछ नया बनाएंगे और उसका कुछ नामकरण करेंगे तो उसको बोलते हैं माइनर ग्रीक्स. ओके, सो दीज आर कॉल्ड सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द प्राइसिंग मॉडल एंड अफेक्ट द प्राइमरी ग्रीक्स. ऑब्वियसली कि वो राइस या चावल उसके अंदर है तो उसके टेस्ट में तो इफेक्ट आएगा ही ना. ओके, तो जितना उतना चेंज करोगे उतना टेस्ट में फर्क आएगा. द सेम वे अगर कोई भी प्राइसिंग के अंदर या कोई भी ऑप्शंस के अंदर कोई दूसरा आप कैलकुलेशन करोगे तो वो अफेक्ट करेगा डेल्टा के ऊपर. ओके, तो दिस ग्रीक्स आर सेकंड और दे आर इंक्रीजिंगली यूज इन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कैन क्विकली कॉम्प्यूट एन अकाउंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम्स एजोटरिक रिस्पेक्ट. जैसे किसी को अपना रिस्क जीरो करना है तो उसकी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ना, जो पहले सब लोगों को गिन के करनी पड़ती थी, अभी तो सॉफ्टवेयर आ गए. पहले तो ऑप्शन कैलकुलेटर थे, अभी तो क्या होता है कि डायरेक्ट ऑप्शन चेन ही अवेलेबल है मार्केट में. तो किसी को क्या है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यू देख लेते. पर नाउ प्राइस एंड वैल्यू, हाउ ट्रेडर यूज ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल. ओके, जैसे मैंने अभी आईफोन का एग्जाम्पल दिया कि कूपन की वैल्यू हो गई, सप्लाई डिमांड का मिसमैच हो गया. ओके, तो भाव बढ़ भी जा सकता, बढ़ गया. ओके, तो उसी के तरह के ये जो ऑप्शन का, जो ऑप्शन का प्राइसिंग है, इट हैज बीन इन्वेंटेड बाय, दैट वाज इन्वेंटेड बाय द ब्लैक शोल. ओके, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके इसके लिए. तो जो नोबेल प्राइज मिला है तो उसकी कैलकुलेशन कुछ गलत नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोग उसको, इन्होंने क्या किया कि वो उसको एक ट्रेडिंग का पार्ट बना दिया, क्योंकि वो जुआ ना कहलाए, अदरवाइज क्या कहलाएगा, चुआ कहलाएगा. ओके, तो उसके लिए हम जो जो भी अभी ऑप्शन का मॉडल यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक शोल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल. राइट ना, और वो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. ओके, वो अभी हम धीमे धीमे अंदर जाएंगे, फिर हम थोड़ा कम्युनिकेशन करेंगे तो हमें मालूम हो कि ये सब ऊपर से नहीं जा रहा है सबको. ओके, सो फॉलोइंग वेरिएबल्स आर यूज टू कैलकुलेट ऑप्शन प्राइस, लाइक स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस. स्टॉक प्राइस मानी स्पॉट प्राइस, या जैसे निफ्टी का 17,511 है वो स्टॉक प्राइस है. फिर स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस मानी क्या हुआ कि जैसे वेरियस स्ट्राइक होती है 17,500, 17,600 वो सब,
फिर टाइम टू टाइम अंटिल एक्सपायरेशन, जैसे एक्सपायरी डेट होती है, ओके, वीकली, मंथली, ईयरली या लीप्स, राइट। फिर इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड एंड वॉलेटालिटी। वॉलेटालिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको हमें सेपरेटली एक अलग सेशन में कवर करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि वॉलेटालिटी की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉलेटालिटी आ गया आपको, तो समझ लो आपका 90% काम हो गया, ओके। तो वॉलेटालिटी इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको ऑप्शन सेलिंग में बहुत हेल्प करती है ये वंस। और अगर आपका व्यू भी क्लियर हो और आपको अगर वॉलेटालिटी का कंपोनेंट एकदम क्लियर हो, तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। आप बाय करो या सेल करो, इट डजेंट मैटर, ओके। नाउ ये सिर्फ देखने के लिए, लेकिन सबको मालूम हो कि ऑप्शन का भाव कैसे बना, तो ये पूरी कैलकुलेशन है, उन्होंने कंप्यूटर में डाल दिया ये सभी और बना दिया ऑप्शन का एक वैल्यू, ओके। नाउ ऑप्शन क्लिक्स। नाउ देयर आर सिक्स इनपुट और वेरिएबल्स एट डिस्कस्ड अर्लियर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 6 वेरिएबल है, वो ऑप्शन का प्राइस बनाते हैं, तो उसमें से 5 डायनेमिक, डायनेमिक मानी जैसे भाव बढ़ता है तो वो भी चेंज होता है, अगर भाव गिरता है तो वो भी चेंज होता है, और 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट मानी वो सेम रहता है। तो स्ट्राइक प्राइस इज कांस्टेंट, जैसे आप देखते हो तो ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस तो वैसे की वैसी है, जैसे 17,500, 17,600, 17,400, तो 100 100 या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सभी सभी फ्यूचर्स या ऑप्शंस के अंदर डिफरेंट स्ट्राइक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो चेंज नहीं होते, वो तो सेम ही रहते हैं। लेकिन चेंज क्या होता है, जो भी डायनेमिक फैक्टर्स है, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो, वो चेंज होते रहते हैं और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बनती है, ओके ना। अभी बहुत डीप मत जाओ, हमारा क्या है कि हमें सिर्फ कार का ड्राइविंग कार कैसे करते हैं वो सीखना है, हमें कार पूरा बनानी नहीं सीखनी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले अच्छी तरह से गाड़ी को चलाना सीखेंगे, वो कैसे सीख पाएंगे अगर हमको ये डेल्टा, गामा, थीटा, लाइक एक्सीलेटर क्या है, डायरेक्शन क्या है, जैसे हमें गाड़ी चलानी है तो हमें कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अगर मालूम नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चला पाऊंगे, ओके। दूसरा क्या है कि हमें यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम इतने टाइम में पहुँच जाएंगे। अगर हमें टाइम मालूम नहीं होगा और रास्ता भी मालूम नहीं होगा, तो हम वो गाड़ी चला नहीं पाएंगे अच्छी तरह से, ओके। तो उसी तरह से हमें कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है तो हम इतने टाइम में पहुंच जाएंगे, तो वो कौन सिखाएगा। अगर हमें ये सब फैक्टर्स मालूम हो गए तो हम अच्छी तरह से गाड़ी चला पाएंगे। जैसे बस के ड्राइवर है वो फिक्स होते हैं कि जैसे 9:30 की बस या 9:30 की ट्रेन है तो वो उसके आजू बाजू टाइम पे आ जानी चाहिए, तो उनके लिए उन्होंने एक नक्की किया, उन्होंने फिक्स किया है कि चलो ये डायरेक्शन में मुझे जाना है, मीन्स ऑप्शन का भी वैसा ही है। तो वो डेल्टा है तो गाड़ी में डायरेक्शन मालूम होगा और डेल्टा मालूम होगा तो आप डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो, ओके। और वो कितने टाइम तक मुझे पहुंचना है, जैसे आपकी कोई स्ट्राइक है, आपने बताया कि भाई अभी 17,500 चल रहा है, मुझे 18,000 तक जाना है मेरी डायरेक्शन के हिसाब से, ओके। तो अगर वो मालूम होगा तो आप थीटा के साथ प्ले कर सकते हो। वॉलेटालिटी, वॉलेटालिटी मीन्स क्या होता है कि वो कितना जंप करेगा भाव। सपोज 2% वॉलेटालिटी है तो आइदर वो स्टॉक 2% अप होगा या 2% डाउन होगा, उसको बोलते हैं रेंज, उसमें भी कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं। तो वो रेंज अगर मालूम होगी आपको स्टेटिस्टिकली, तभी आपको मालूम होगा कि यहाँ इससे ऊपर के OTM ऑप्शन सेफ है सेल करने के लिए, ओके। अगर आपको वो वॉलेटालिटी मालूम नहीं है, जैसे आपको अगर सिर्फ आपको वॉलेटालिटी ही मालूम है लेकिन डायरेक्शन मालूम नहीं है, तो आप वॉलेटालिटी को गलत तरीके से ट्रेड करोगे, ओके। जैसे अगर आपका आपके पास टाइम का वैल्यू मानी थीटा की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे, थीटा के हिसाब ना हिसाब करोगे और सिर्फ वॉलेटालिटी के ऊपर ध्यान रखोगे, तो थीटा भी आपको अफेक्ट करेगा और आपकी स्ट्रेटजी गलत हो जाएगी। तो अगर आपको डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा इन सभी का नॉलेज होगा, तभी आप एक अच्छी तरह से गाड़ी ड्राइव कर पाओगे, यानी ऑप्शन ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो
जैसे एक गाड़ी के ड्राइवर को सब नॉलेज होना चाहिए, गियर कैसे शिफ्ट करना है, ऑटोमेटिक गाड़ी है तो कौन सा बटन दबाना है, कितना फ्यूल रखना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कितने टाइम में जाना है। ओके, अगर वो आपको सभी मालूम होगा तो आप ऑप्शन ट्रेड कर पाओगे। सबका प्रॉब्लम क्या है कि लोग बोलते हैं मैं वॉलेटालिटी ट्रेडर हूँ, तो वो सिर्फ वॉलेटालिटी ट्रेड करते हैं, उनको डायरेक्शन का कुछ भी नॉलेज नहीं है, प्राइस एक्शन इग्नोर कर रहे हैं सब लोग। ओके, जो बेसिक फंडा है तो वो गलत है, वहां पे वो लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करते हैं। एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद लोग सेल करते हैं और उनको क्या होता है, तुरंत ही 50-20 रुपीज या 50 रुपीज सडनली 2-3 मिनट्स के अंदर प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है। ओके, उनको मालूम नहीं कि अभी ऑप्शन एक्सपायर होने वाले हैं। अगर 25 रुपया बढ़ गया भाव तो उसमें भी 25 रुपया इफेक्ट आएगा, लेकिन उस टाइम आपको मालूम होगा कि ये ऑप्शन इस डायरेक्शन में जाएगा इन दिस पर्टिकुलर टाइम विद दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, यू कैन इजीली बाय द ऑप्शन। अगर आपको डायरेक्शन मालूम नहीं है, अगर आपको टाइम का मीन्स डेल्टा आपको मालूम नहीं है, या आपको डेल्टा फॉर एग्जाम्पल आपको डेल्टा मालूम है, मीन्स आपको डायरेक्शन मालूम है कि ये ऑप्शन ये अभी फ्यूचर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन इतने तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, तो क्या कर सकते हो आप, वो ऑप्शन बाय कर सकते हो। जैसे आज मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने रखे थे जो ट्रेड, मुझे मालूम था कि भाई चलो इतना तक जाएगा। ओके, फिर वैसे रिवर्सल आया तो मैंने सबको अलर्ट कर दिया था कि भाई चलो यहाँ से रिवर्सल आएगा, पुट बाय करो सब। ओके, उसका भी टारगेट था, वो टारगेट हिट हो गया दोनों, और पूरा दिन बैठे रहे। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ऑटोमेटिक ऑर्डर रखा था अंदर, अपने आप ही क्या हुआ, टारगेट हिट हो गया था। मैंने आज ट्रेडिंग में बहुत ध्यान ही नहीं दिया था, बट क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स था, मेरा टारगेट फिक्स था, मैंने कर दिया, और वंस रिवर्सल आया तब मैंने काउंटर ट्रेड ले लिया, उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस फिक्स था, क्योंकि क्या था कि मेरा डायरेक्शन क्लियर था, मुझे कितने टाइम में हो जाएगा वो क्लियर था, और कितनी उसकी वॉलेटालिटी भी मालूम थी, तो फिर मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपका ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यू कैन इजीली बाय द कॉल और पुट, और अगर आप सेफ मनी अर्न करना चाहते हो तो यू कैन सेल एज वेल, राइट। अगर आपको थोड़ा लंबा खेलना है, जैसे मैं मंथली एक्सपायरी रखता हूँ अंदर, हम फ्यूचर में वीकली भी रखेंगे। ओके, तो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि एडजस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहली तारीख मीन्स लास्ट एक्सपायरी मीन्स जो एक्सपायरी होती है ग्रांड एक्सपायरी, तब मैं मंथली ऑप्शन लेता हूँ, एवरी मंथ बैठा रहता हूँ। अगर मेरी डायरेक्शन गलत हो गई तो मैं क्या करूंगा, उसको कन्वर्ट करके दूसरे में वो डायरेक्शन में चला जाऊंगा, राइट। तो उसमें कुछ है नहीं, अगर आपके वो डायरेक्शन मालूम हो गया, मानिए अगर आपको डेल्टा का नॉलेज आ गया तो आप कुछ, फिर आपको और डेल्टा का भी नॉलेज है, थीटा का भी नॉलेज है, और ये सभी ग्रीक्स मालूम है, तो यू कैन इजीली प्ले विथ एनी ऑप्शन। ओके, और वो इजी है, उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। बट लोग क्या करते हैं कि एक्सेस नॉलेज लेते हैं और वहाँ पे वो लोग ट्रैप हो जाते हैं, या पूरा नॉलेज नहीं लेते। जैसे कोई बोलता है कि मैं शॉर्ट ट्रेडल की स्ट्रेटेजी पे वर्क करता हूँ, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि चलो हर रोज शॉर्ट ट्रेडल करो। ओके, क्या मंडे शॉर्ट ट्रेडल करो और थर्सडे को निकाल दो। ओके, कुछ लोग ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, लेकिन हर मंडे या हर थर्सडे एक जैसा नहीं होता है। कभी कभार मार्केट अप भी हो सकता है और प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें वर्क करना है। कोई भी हम मैं भी भगवान नहीं हूँ या वो भी भगवान नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। वी आर जस्ट फॉलोइंग द बेसिक रूल्स, जैसे प्राइस एक्शंस के बेसिक रूल हुए, फिर हमारे सम इंडिकेटर्स के यूज हुए, अगर वो सब हमें अपना आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए सही है, आपका टाइम वैल्यू या थीटा का नॉलेज है। ओके, और आपको आपको आईवी का कैलकुलेशन आता है पर्सनली। ओके, और आपको उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मालूम है वॉलेटालिटी की, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ओके, सो हमारा गोल क्या है कि हमें ऑप्शन के प्राइस बनाने नहीं है, हमें सिर्फ ट्रेड करना है। जैसे हमें गाड़ी को रिपेयर नहीं करना है, हमें गाड़ी को सिर्फ चलाना है, तो बहुत डीप में मत जाओ, वरना वेगा कि
डेल्टा कैसे बना, मुझे उसका कैलकुलेशन सीखना है, नहीं, आप सिर्फ डेल्टा देखो फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो। डेल्टा कैसे बनता है वो तो हमने बता दिया, उसका फॉर्मूला है, लेकिन वो कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट मत करो, वो काम मैकेनिक का है तो वो मैकेनिक को करने दो, मीन सॉफ्टवेयर को करने दो। नाउ हम देखेंगे कि डेल्टा है क्या। ओके, तो डेल्टा है फोर डेफिनेशन, एक नहीं है, फोर डेफिनेशन। ओके, तो ऑप्शन वैल्यू रिलेटिवली चेंज ऑन अंडरलाइंग प्राइस, तो ऑप्शन की वैल्यू जैसे डेल्टा चेंज होता है वैसे ही ऑप्शन की वैल्यू चेंज होती है। तो पहली डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज, सेकंड इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द ग्राफ, सेकंड इज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर। अभी आपको मालूम होगा कि शेयर को हेज कैसे करते हैं, जैसे आपकी कोई भी आपने 15 शेयर लिए या 150 लिए या 200 लिए, तो आपने कौन सा ऑप्शन बाय किया है वो मैं आपको बता दूंगा अभी इन दिस सेशन। ओके, और एस्टिमेशन ऑफ लाइकलीहुड और ऑप्शन एक्सपायर इन आईटीएम मीन्स प्रोबेबिलिटी भी बता सकता है हमें। ओके, सो ये डेल्टा की कैलकुलेशन है, हमें मैकेनिक नहीं बनना है सिर्फ देखने के लिए, जैसे गाड़ी का बोनेट खोला तो मशीन दिखाई दिया, उसी तरह से हमने डेल्टा खोला तो ये कैलकुलेशन दिखाई दिया, तो बस वो देखो एंजॉय करो। ऑलराइट, नाउ अभी आते हैं हम डेल्टा के ऊपर। तो डेल्टा इज अमाउंट ऑफ एन ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू मूव बेस्ड ऑन रुपीज वन मूव इन अंडरलाइन स्टॉक। जैसे क्या है कि और कॉल का डेल्टा बिटवीन 0 to 1 होता है और पुट का डेल्टा 0 to -1 होता है, हम देखेंगे अभी बाद में, कैलकुलेट भी करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो एटीएम कॉल एंड पुट हैव डेल्टा नियरली 0.5। ओके, तो एटीएम जो हमने ऑप्शन चेंज देखा था जैसे अंडरलाइन 17,1500 है तो वो एटीएम कॉल है, तो एटीएम का डेल्टा क्या होता है, 0.5 होता है कॉल और पुट दोनों में। नाउ ओटीएम कॉल पुट, जैसे हमने देखा कि ऊपर वाले मीन्स पुट का ऊपर वाला और कॉल का नीचे वाला, वो ओटीएम ऑप्शन है सब, तो ओटीएम का डेल्टा कितना है, लेस देन 0.5, मतलब उसमें थीटा डीके होता है, इन शॉर्ट उसमें डेल्टा की वैल्यू क्या है, कम है। राइट, तो उसके अंदर डेल्टा की वैल्यू कम है तो वो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा तो वो ऑलरेडी जैसे 0.5 है तो नीचे का 0.3 है तो वो क्या होता जाएगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। राइट, तो जो जैसे ओटीएम या फार ओटीएम में डेल्टा की वैल्यू कम होगी तो आप क्या करोगे उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन जब में बताऊंगा अभी। फिर आईटीएम कॉल की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0.5 होती है, जैसे ये देखो ये रहा डेल्टा। राइट, तो ये एटीएम ऑप्शन है 17,550 निफ्टी आज का, ये तो इसका डेल्टा क्या है, 0.5। राइट, अभी ये है ओटीएम ऑप्शंस पुट के। ओके, और ये है ओटीएम ऑप्शंस कॉल के। राइट, तो इसका डेल्टा क्या है, 0.6, ये डेल्टा कम होता जा रहा है और इसमें भी डेल्टा कम होता जा रहा है। ओके, तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ ओटीएम ऑप्शंस के अंदर कम होता जा रहा है और आईटीएम ऑप्शंस के अंदर डेल्टा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, 0.54, 0.57, 0.61, 0.64 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ डेल्टा का भाव कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। ओके, तो डेल्टा इज स्टेटेड एज परसेंटेज, तो उसको 50 भी बोल सकते हैं या 0.5 भी बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ 0.5, कुछ लोग बोलेंगे 50 डेल्टा, कुछ लोग बोलेंगे 0.5 डेल्टा, दोनों अपने हिसाब से सही है। ओके, तो जैसे प्राइस बढ़ता है तब डेल्टा का वैल्यू बढ़ता या घटता है, जैसे एग्जाम्पल स्टॉक की प्राइस 60 है और 60 से 61 हो गई तो, और उसका डेल्टा 0.5 है। ओके, और कॉल की वैल्यू 3 रुपीज़ है तो 3 रुपीज़ की क्या होगी वो, अगर इसका डेल्टा 0.5 है तो 3.5 होगी, तो वैल्यू ऑफ वो 0.5 डेल्टा है, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया 1 रुपीज़ है तो 1 रुपीज़ का चेंज होगा तो उसमें 50 रुपीज़ का ही चेंज आएगा इसके अंदर, समझे। जैसे 60 रुपया का अभी एक स्टॉक का भाव चल रहा है, ओके, उसका भाव 61 रुपया हुआ तो ओरिजिनली 1 रुपीज़ बढ़ा, लेकिन उसका डेल्टा 0.5 है तो 1 रुपीज़ का मूव उसको 0.5 का ऑप्शन में 0.5 रुपीज़ भाव बढ़ जाएगा, तो 3 का क्या होगा, 3.5 हो जाएगा।
ओके, तो वैल्यू ऑफ कॉल इंक्रीजेज एज पर डेल्टा विथ इंक्रीजेज इन अंडरलाइन प्राइस, और पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है, जैसे 60 रुपये से 61 रुपीज हुआ पर, ओके, तो 1 रुपया चेंज आया, 60 + 161 तो 1 रुपया भाव चेंज आया, तो 2.25 होगा, ओके, तो उस अगर उसका डेल्टा 0.4 होगा तो 1 × 0.4 मीन्स उसका 1 रुपीज चेंज आया तो 40 पैसा कम होगा, तो 2.25 − 40 पैसा तो 1.85 रुपीज उसका भाव होगा, ओके। अभी ये कोई मुझे समझा पाएगा तो मैं आगे बढ़ूं फिर कि डेल्टा का भाव, ये कोई एक्सप्लेन करेगा ग्रुप में से प्लीज एनीवन कि कैसे चेंज हो रहा है। हाँ, तो थ्री का अगर यहाँ पे समझो कि डेल्टा में यहाँ 0.4 डेल्टा होता है यहाँ पे, तो ये 3 रुपीज का कितना भाव होता, 1 रुपया चेंज होता तो, हाँ 3.4, परफेक्ट। और इस यहाँ भी सेम ऐसा ही होगा, तो ये ऑप्शन चेन में ऐसा ऐसा है कि अगर यहाँ से जैसे 17,600 हुआ तो ये डेल्टा चेंज हो जाएगा अपने हिसाब से, मूव के हिसाब से, और वो कैलकुलेशन का प्राइस यहाँ पे आएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि साहब आप आपको प्रिडिक्ट कैसे कैसे होता है कि ये ऑप्शन का प्राइस यहाँ पे आएगा तो इतना भाव होगा, तो वो अगर ऑप्शन ग्रिक्स मालूम है तो आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है फिर, बराबर ना। नाउ जैसे ये एग्जांपल है, तो 11,400 का निफ्टी का स्पॉट है, ओके, तो डेल्टा हमने देखा कि 0.1 डेल्टा, जैसे यहाँ पे डिफरेंट डेल्टा है, ओके, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.3, तो ये डिफरेंट डेल्टा है तो उसके भी भाव चेंज हो गए ना, तो उसका मैंने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है कि 0.1 डेल्टा है, किसी का 0.5 है, जैसे ये हुआ ATM, 0.5 मानी ATM, 0.75 मानी ITM और 1 मानी फ्यूचर, ओके, 0.25 तो लेस देन 0.5 हुआ तो वो क्या हुआ, OTM हुआ, राइट, और ग्रेटर देन 0.5 हुआ तो ये क्या हुआ, एनी ग्रुप मेंबर, इन द मनी हुआ, परफेक्ट परफेक्ट। तो वो भाव कैसे चेंज होगा, और अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं बराबर, तो अगर हमें मान लो हमारा टारगेट जैसे 11,500 का, अभी फॉर एग्जांपल 17,500 का भाव चल रहा है कॉल का, अगर हमारा टारगेट 17,600 का है तो 100 पॉइंट का हमारा टारगेट है, ओके, तो 100 पॉइंट में अगर हमने 0.5 डेल्टा लिया हुआ है, ओके, तो उस ऑप्शन की प्राइस कितनी होगी ना, वो हमें मालूम हो जाएगा, तो हमारा टारगेट आप हम हमको मालूम हो जाएगा कि चलो भाई इतना होगा, तो 0.5 डेल्टा है तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आया तो ऑप्शन में 50 रुपीज का भाव चेंज हो जाएगा, सही है ना। हेलो, ऑलराइट, ओके, नाउ दिस इज द डेल्टा, ओके, तो डेल्टा फॉर अ कॉल ऑप्शन, ओके, तो बुलिश व्यू है, जैसे निफ्टी अभी एग्जांपल 8,288 पे चल रही है, ऑप्शन का स्ट्राइक है 8,250 का कॉल, उसका प्रीमियम क्या है, 130 रुपया, इन शॉर्ट 8,250 के कॉल का प्रीमियम 133 रुपये है, और उसका डेल्टा 0.55 है, नियरली इन ATM कॉल है, ओके, और अगर हमारा प्रिडिक्शन है कि 2 बजे में वो 8,310 होगा, ओके, आपका व्यू क्या है, बुलिश है, तो 8,288 से 8,310 का आपका टारगेट है, तो मतलब 22 रुपीज बढ़ेगा, तो आपकी ऑप्शन भी प्राइस का आप टारगेट क्या रखोगे, सही है ना, ओके, सो वो कैसे करेंगे, न्यू प्रीमियम कैसे, नया प्रीमियम कैसे होगा कि 8,310 माइनस 8,288 इज इक्वल टू 22 रुपीज, तो 22 रुपीज का मूव आया, ऑलराइट, और उसका डेल्टा 0.55 है, हमने ATM कॉल पे ऑप्शन बाय किया हुआ है, और 22 रुपये का मूव आया और 0.55 रुपीज उसका डेल्टा था, तो 12 रुपया और 10 पैसा ऑप्शन का भाव बढ़ेगा एक्सपेक्टेड, ओके, सो हमारी पहले की प्रीमियम क्या था, 100 133 था, तो 133 प्लस
ये चेंज इन प्रीमियम 12.1 मानी हमारा ऑप्शन का भाव कितना हो गया 145.1। अंडरस्टैंड? कोई अभी एक ग्रुप मेंबर समझाओ प्लीज, एनीवन। अगर मालूम नहीं होगा तो भी बोल दो कि यहां तक कुछ मालूम नहीं हुआ सर। एनी ग्रुप मेंबर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्लाइड। हाँ बोलो शुभान, कोई बात नहीं। हाँ ओके। तो ये हमारा एटीएम कॉल, हमें हमें क्या था कि अभी निफ्टी का भाव 8,288 चल रहा है, ओके, और हमें हमारा व्यू बुलिश था और हमें क्या लगता है कि 8,310 तक उसका टारगेट है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमारा टारगेट कितना कितना आएगा, सही है ना? तो वो कैसे कैलकुलेट, हाँ तो वो अभी बताओ आगे। हाँ जो हाँ हाँ देखो फिर से बताता हूँ, 8,250 का कॉल है, ओके। अभी निफ्टी क्या है 8,288 है, हमारा टारगेट क्या है 8,310। तो 8,310 में से हमारा 22 पॉइंट की मूवमेंट आएगी अप मूव, क्योंकि व्यू हमारा क्या है बुलिश है, सही है ना? हेलो ओके। तो अगर 22 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो हमारा ऑप्शन 133 रुपये का है, वो कितना होगा? तो हमारा ऑप्शन का भाव 145 होगा। और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 133 तो भाव है लेकिन 22 रुपया तो नहीं पड़ेगा ना इसका भाव, लेकिन इसका डेल्टा कितना है 0.55 है। तो क्या करेंगे, 22 रुपये को 0.55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 रुपया हमें मिलेगा। अगर समझो कि कोई ओटीएम में ट्रेड कर रहा है तो उसका प्रीमियम कम आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कम होगा ना यहाँ पे, ओके। तो नया प्रीमियम ये हो जाएगा फिर, ठीक है। और इसमें ये कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, ठीक ठाक वेगर वो सब अभी कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि सभी चेंज डायनेमिक चेंज होता है बराबर, तो वो डायनेमिक चेंज हम अभी कंसिडर नहीं करते, लेकिन थीटा कितना चेंज होगा ना वही हम अभी चेक कर रहे हैं। सॉरी, डेल्टा कितना चेंज होगा ना वही हम अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से हमारा बेरिश व्यू है, ओके। तो जैसे अभी 8,288 है और हमें कोई प्राइस एक्शन मिला कि चलो ये अभी निफ्टी का नेक्स्ट निफ्टी गिरेगा और 8,200 को टच होगा, ओके। तो हमने तो बोला कि भाई हमारा व्यू 8,288 से जाएगा 8,200 तक का, ठीक है। लेकिन अगर हमने 0.55 डेल्टा लिया है तो हमारा 133 का कितना रुपया आएगा, हमें मीन्स कितना प्रीमियम मिलेगा और कितना भाव चेंज होगा, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे, राइट। तो भाव घटेगा ना, क्योंकि कॉल ऑप्शन क्या होगा, भाव गिरेगा क्योंकि बेरिश है मार्केट। तो 100 अभी क्या होगा कि 8,288 से गिरा 88 पॉइंट माइनस हुआ, ओके। तो -88 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, तो इन शॉर्ट डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा इज इक्वल टू प्रीमियम चेंज, ऑलराइट। सो न्यू प्रीमियम की वैल्यू कितनी आएगी, 133 -48 तो 84 रुपीज पे आ जाएगा वो। तो ऑप्शन सेल करता है कोई तो उसको इतना प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, एनीबॉडी वांट टू एक्सप्लेन दिस? हाँ ऑलराइट, गो ऑन सर। हाँ एक्चुअली वॉइस नहीं आ रहा है। आई थिंक माइक पे प्रॉब्लम है, नो वरीज। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई क्वेरी होगा तो आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है। और अगर कोई दूसरा समझाना समझाना चाहता है तो
तो प्लीज एक्सप्लेन। शुभांग, आई थिंक योर वॉइस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। अगर आप वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बेटर रहेगा। ऑलराइट। हाँ 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 ओके 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 हाँ ओके हाँ परफेक्ट परफेक्ट हाँ हाँ ओके हाँ हाँ तो परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो, जैसे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है शुभांक और एवरी मेंबर, कि जैसे हमें फ्यूचर को शॉर्ट करना है तो मार्जिन लगेगा सबसे ज़्यादा पहला, तो क्योंकि फ्यूचर का डेल्टा कितना है, 1 है। तो अगर हम दो दो कॉल सेल करेंगे या दो पुट बाय करेंगे तो उतना प्रीमियम लगेगा फ्यूचर जितना। हाँ हाँ अगर हमको मालूम है कि चलो शॉर्ट टर्म 88 पॉइंट इज नॉट अ बिग डील ना, अगर 88 पॉइंट गिर जाएगा और हमारा प्राइस एक्शन या हमारा सेटअप स्ट्रांग है तो हम सेल क्यों करेंगे, हम तो बाई करेंगे ना, पुट बाई करेंगे ना। ठीक है, ये गलत है कि सही है? अगर पुट बाई करेंगे तो अगर समझो कि ये कॉल की जगह पे पुट लिखा होता बराबर, तो पुट का भाव तो बढ़ जाता ना उसके अंदर ये हिसाब से बराबर, तो उसमें मार्जिन कम लगेगा। ओके, हम तो कर रहे हैं एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में ही, लेकिन मार्जिन हमारा कम हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं कि अपना नॉलेज यूज करके कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, सही है ना? तो उसको बोलते हैं प्रॉपर ट्रेडिंग। ठीक है ओके। और अगर किसी को ऑप्शन सेल करना है तो उसकी डिफरेंट मेथोडोलॉजी से राइट, और वो सभी स्ट्रेटेजी सब सीखेंगे ना तभी उसको एडजस्टमेंट आएगा, वरना एक स्ट्रेटेजी सीखी दूसरी नहीं सीखी तो फिर एडजस्टमेंट किसी को नहीं आएगा। ठीक है ना? और वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, तो करीबन 150 150 जितनी होती है स्ट्रेटेजीज, तो वो सभी सीखनी पड़ती है तभी एडजस्टमेंट कर पाते हैं लोग। वो शॉर्ट में हम बता देंगे, मेरे पास पूरा ही चार्ट है, मैं फिर आपको पर्सन जिसको मिस धीमे धीमे हम करेंगे और सभी स्ट्रेटेजी सीख एक करके सीखेंगे। अगर किसी को क्विकली सीखना है ना तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना, मैं उसको मटेरियल दे दूंगा बराबर। ओके, वो बहुत ऐसा है नहीं, थोड़ा बहुत टाइम ही स्पेंड करना है उसके अंदर राइट। क्योंकि समझो आप 2 लाख की आइटम है उसको आपको खरीदना है 10,000 रुपये में, तो नॉलेज तो चाहिएगा ना आपको बराबर, ऐसा है। नाउ डेल्टा, ओके, तो पुट हैज नेगेटिव डेल्टा, जैसे हमने कॉल का देखा राइट, तो अभी क्या हुआ, पुट का हुआ डेल्टा, पुट हैज नेगेटिव डेल्टा वैल्यू, तो डेल्टा ऑफ पुट पुट ऑप्शन तो बुलिश भी हुआ, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं सब, इज द सेम हैज कॉल। ओके, तो पुट हैज नेगेटिव डेल्टा वैल्यू, डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन तो बेरिश व्यू है अगर आपका, अगर 8,268 है और आपका टारगेट है 8,230 राइट, तो प्रीमियम अभी इसका 8,300 के पुट का प्रीमियम चल रहा है 188 और उसका डेल्टा है 0.55, तो प्रीमियम कितना चेंज होगा, 128 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा चेंज आया इन दोनों का, वो है 38 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय -0.55, तो उसका वैल्यू निकल रहा है 20.9, तो टोटल कितना हुआ 148.90। तो इस तरह से पुट का हम पुट भी बाय कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपका व्यू सही हो ना तभी आप लोग ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग रिस्की है रिस्की है रिस्की है, तो क्या लोग फ्यूचर बाय नहीं करते? वो बहुत रिस्की हुआ कि ऑप्शंस बहुत रिस्की हुआ? आई थिंक ऑप्शन इज नॉट दैट मच रिस्की इन कंपेयर टू फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में तो
आप एडजस्टमेंट अगर ऑप्शन आता है तो कर पाओगे, या अगर कोई इक्विटी में लिया तो आप तो इक्विटी में तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस मालूम है या आपको फ्यूचर मीन्स अगर आप फ्यूचर के ट्रेडर हो तो ऑप्शंस के हेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका व्यू क्लियर है तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। बट इन शॉर्ट आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। ओके, और जिसको ट्रेडिंग आता है वो ऑप्शन बाय करता है, राइट? और अपनी रेगुलर इनकम के लिए वो क्या करता है, ऑप्शन सेलिंग करता है। जैसे सभी जिसको ट्रेडिंग प्रॉपर आता है और उसका व्यू क्लियर है, एडजस्टमेंट आता है, तो वो लोग क्या करेंगे, मंथली स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, वीकली में नहीं जाएंगे, मंथली में सेलिंग करेंगे, पूरा महीना का ठीठा खाएंगे, राइट? और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करके अपने हिसाब से वो लोग, जैसे कोई क्या करेगा कि अपनी लॉट साइज बढ़ा देगा, जैसे कोई 10 लॉट में ट्रेड करेगा, कोई 20 में करेगा, तो क्या होगा, उससे वो अपना प्रॉफिट टारगेट शॉर्ट में बढ़ा देगा। बट उसको ट्रेडिंग आना चाहिए, उसका व्यू क्लियर होना चाहिए, उसको सभी ग्रिप का नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर उसका व्यू गलत होगा तो वो आइदर स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाएगा या उसको एडजस्ट भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सिर्फ सेलिंग के लिए ही बने हैं। अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो बाय करो, राइट? और अगर आपके पास टाइम है नहीं और आपको धीमे धीमे करना है सब विदाउट रिस्क, तो आप ऑप्शन, और सेलिंग में भी रिस्क है, ऐसा नहीं कि सेलिंग में रिस्क नहीं है, रिस्क तो सभी में, लेकिन सेलिंग में थोड़ा कम है इफ़ यू ट्रेडिंग इन द फार ओटीएम या वॉलेटाइलिटी के साथ। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज के डिफरेंट डिफरेंट यूज और रिस्क फैक्टर होते हैं, तो इट्स अ पर्सनल चॉइस कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। सो रेट ऑफ चेंज फर्स्ट फर्स्ट डायरेक्ट, तो जैसे स्टॉक प्राइस है तो कॉल, अगर स्टॉक प्राइस बढ़ती जाती है, ओके, तो कॉल की वैल्यू भी बढ़ती है, सिंपल, राइट? नाउ डेल्टा, नाउ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? तो डेल्टा की वैल्यू हमें मालूम है कि 1 एंड 0 है। जैसे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा क्या है, 1 है, राइट? क्योंकि उसमें थीटा डेल्टा गामा ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ सॉरी थीटा वेगा ऐसा कुछ है नहीं, तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1 है। तो जैसे 1 रुपया भाव बढ़ेगा तो आपको उतना प्रीमियम मिलेगा, अगर 5 रुपया भाव बढ़ेगा तो 5 रुपया प्रीमियम मिलेगा, 5 × 50 जितना भी लॉट साइज है वो, ओके। लेकिन आईटीएम डेल्टा, एटीएम डेल्टा और ओटीएम डेल्टा सभी की वैल्यू अलग अलग है, ओके। तो हमें मालूम है कि एटीएम की डेल्टा क्या है, 0.5, आईटीएम का डेल्टा क्या है, 0.5 to 1 है, और ओटीएम डेल्टा क्या है, 0 to less than 0 to 0.5, बराबर, ओके। तो 0.5 से कम है। तो फॉर एग्जांपल एबी की, एबीसी स्टॉक का, जैसे कोई भी स्टॉक है, जैसे आप देखो आइशर मोटर का डेल्टा 0.3 है, तो इसका मतलब क्या है, और यू ट्रेडेड द बाय 5 कॉल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 5 × 43 इज इक्वल 215 शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग किया हुआ है, अंडरस्टूड? तो आप जितना डेल्टा बाय कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे 1 कॉल बाय किया है, तो आप 43 शेयर्स बाय कर रहे हो उसके, समझे? जैसे अगर आप जैसे आइशर मोटर का 0.3 डेल्टा यूज कर रहे हो, तो आप उसके लॉट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, तो आप क्या कर रहे हो, उसके जो भी है वो 0.3 है, और आपने एक, तो 1 × 3 तो 30 शेयर्स के अंदर आपने उसका अंदर ट्रेडिंग किया है, वैसा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर लिखा है, शांति से देखना, एबीसी स्टॉक हैज डेल्टा 0.43 अथवा तो 43, राइट? तो ट्रेडर बाय 5 कॉल्स, तो उसका मतलब क्या होता है, इतने 5 × ये 43 है, वो मतलब 215 नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए हैं। तो इन ऑप्शन लिंक को ट्रेडर इज लॉन्ग 215 डेल्टा, राइट? अंदर सेलिंग के लिए भी माइनस हो जाएगा, राइट? तो कोई बोल पूछता है कि कभी कभार हमारे ट्रेडर के अंदर अंदर फोन आते, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं 500 डेल्टा अभी चल रहा है मेरा लॉन्ग 500 डेल्टा से, तो वो समझ जाता है, राइट? नाउ डेल्टा का मतलब क्या है, एस्टिमेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ऑप्शन एक्सपायरिंग आईटीएम और डेल्टा ऐसा प्रोबेबिलिटी, ओके। तो वो जैसे एटीएम का डेल्टा 50 है, आईटीएम का है और ओटीएम का लेस देन 50 है, तो मोर द डेल्टा वैल्यू मोर द प्रोबेबिलिटी टू एक्सपायर ऑप्शन इन द मनी। जैसे हम लोग, मैं क्या बोलता हूँ कि इन द मनी में ट्रेड करो,
क्योंकि वो इन द मनी के अंदर एक्सपायर होने के चांसेस ज्यादा है. क्यों? क्योंकि अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, लोगों ने उस इन द मनी के लिए प्रीमियम पे किया हुआ है. ओके, अगर कोई प्रीमियम क्यों देगा उसके अंदर, क्योंकि उसको मालूम है कि ये अभी इन द मनी ही एक्सपायर होगा. ओके, सो इन द मनी के अंदर क्या होगा, होगा एक्सपायर होगा तो वो एक प्रोबेबिलिटी भी हुई. तो इन द मनी ऑप्शंस फॉर ट्रेडर लाइक डे ट्रेडिंग, या आपको दो तीन दिन के लिए ट्रेडिंग करना है, तो वो एटीएम या आईटीएम सेफ है. ओके, लेकिन ओटीएम सेफ नहीं है. सो दैट इज सिंपली प्रोबेबिलिटी. और अगर आप समझो कि मुझे 84% प्रोबेबिलिटी चाहिए विन होने की, तो 0.8 डेल्टा चूज करो आप. तो आप क्या होगा कि आपका आपका व्यू जैसे बुलिश है तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, और 84% चांसेस है आपके कि आपका लॉस नहीं आएगा, इन शॉर्ट. राइट, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा ये फिर से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट? एनी वन प्लीज. हाँ हाँ बोलो. हाँ ओके आपका विन परफेक्ट, आपका विनिंग, आपकी आपका विन उसका इतना उतना परसेंटेज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका विनिंग चांसेस ज्यादा है उसके अंदर. हाँ 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 तो आप देखोगे कि मेरे मैं है ना वो 0.5 डेल्टा से ऊपर ही कॉल बाय करता हूँ ना, कॉल या पुट हर रोज. ओके, मैं या उठ, और आप नहीं, आप कोई भी पेड जो लोग टिप्स या वो सब प्रोवाइड करते हैं या जिसको थोड़ा बहुत आता है बराबर, वो भी क्या करेगा, इन द मनी ही देगा आपको. ठीक है ना, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो इन द मनी देगा, उसका व्यू भी क्लियर होगा सामने वाले का बराबर, तो उसकी सक्सेस रेशियो ज्यादा हो जाएगी. ओके, और ओटीएम को बाय करना ही नहीं है बराबर, ओटीएम से सेल करो, दूसरा कुछ मत करो. सो रिलेशनशिप बिटवीन कॉल एंड पुट डेल्टा, तो कॉल डेल्टा माइनस पुट डेल्टा इज इक्वल टू 1. तो जैसे हमने बोला कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट 1 है, तो इन लोगों ने ब्लैक एंड शोल ने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया कॉल और पुट के अंदर. ओके, तो कॉल डेल्टा से पुट डेल्टा का बात कर, जैसे 0.5 है एटीएम का कॉल और माइनस 0.5 है एटीएम का पुट, तो उन दोनों को अगर आप देखो तो 1 होगा उन दोनों का. तो इन शॉर्ट क्या है कि उसको सिंथेटिक फ्यूचर भी बोलते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे सिंथेटिक लॉन्ग कैसे होते हैं या सिंथेटिक, लेकिन वो डिफरेंट चीज है. अभी देखो कि कॉल डेल्टा का प्रीमियम कैसे बनता है, तो पुट डेल्टा प्लस 1, और पुट डेल्टा का क्या है कि कॉल डेल्टा माइनस 1. ओके, सो अगर आपको तो इन शॉर्ट वो दोनों का आप एडिशन करोगे ना, मीन्स कॉल डेल्टा में से पुट डेल्टा की वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा. सो उसका तो इन शॉर्ट उसमें है ना आपके प्राइस उसी तरह से बढ़ेंगे उसी की हिसाब से. तो अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. सो दैट मॉडल इज परफेक्टली डिराइव. तो मॉडल इतना परफेक्ट बनाया है ना कि आपको उसके अंदर प्राइस है ना, अगर आपका व्यू सही है तो आप सही ही जाओगे. ठीक है, नाउ गामा राइट. और डेल्टा में कुछ कंफ्यूजन है किसी को, ग्रुप मेंबर, एनी ग्रुप मेंबर, एनी कंफ्यूजन इन डेल्टा? हेलो, हाँ पंकज का क्वेश्चन वैन. हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, वॉइस आ रहा है मेरा? आई थिंक पंकज का वॉइस नहीं आ रहा है सबको. हाँ पंकज का क्वेश्चन लिख के भेजा है उसने कि व्हेन स्पॉट चेंज, हाँ स्पॉट चेंज होगा तो डेल्टा तो चेंज होगा ही ना भैया, वही तो हमने सिखाया.
ये सब क्या है? स्पॉट प्राइस चेंज हो रहा है तो डेल्टा चेंज हो रहा है ना, लेकिन कितना चेंज हो रहा है वो हमने कैलकुलेट कर दिया। ओके पंकज, तो जैसे स्पॉट प्राइस चेंज होगा तो उसी तरह से डेल्टा भी चेंज होगा। ओके, नाउ गामा। नाउ स्पीड मतलब क्या होता है? हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। और वेलोसिटी क्या होता है? कि स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। हम जैसे छोटे बच्चे थे सब पढ़ते थे कि इसकी स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, वही है। तो गामा क्या करता है? कि गामा इज द वेलोसिटी ऑफ डेल्टा। ओके, तो गामा जितना चेंज होगा ना वो डेल्टा को चेंज करेगा, लेकिन वो गामा कितना डेल्टा को चेंज करेगा ना वो हम देख सकते। तो गामा हुआ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डेल्टा। तो अभी डेल्टा चेंज होता है तो कुछ लोगों को कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि अभी डेल्टा चेंज कैसे होता है। ओके, तो डेल्टा को चेंज करने का एक्सीलरेटर किसके पास है? गामा का। इसीलिए हम एक्सपायरी के दिन बोलता हूँ मैं सबको कि 1 या 1.5 बजे गामा गामा जो जो भी लोग गामा को पहचानते हैं वो सभी ट्रेडिंग करने के लिए आ जाते हैं। और हमारा ट्रेडिंग कितना होता है जिसको गामा का नॉलेज है? 1 या 2 ट्रेड, पैसा डबल या ट्रिपल करके निकल जाओ बस। मिनिमम डबल तो होगा ही जिसके पास गामा का नॉलेज है वो, और वो बाइंग बाइंग की ओर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? और जिसका नॉलेज नहीं होगा उसका लॉस होगा उसके अंदर। तो ऑप्शन सेलर तो 1 डेढ़ मैक्सिमम 2 बजे में निकल जाते हैं, राइट? और गामा की एंट्री हो जाती है अंदर और शार्प फॉल और वो सब सबको खा जाता है। तो वो कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। ओके, तो जैसे चेंज इन डिस्टेंस 7 किलोमीटर, जैसे इन 10 मिनट कार कैन ट्रैवल 0 to 3 किलोमीटर, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कि पहले 3 किलोमीटर तक, जैसे 1 से 3 बजे तक वो इनिशियल उसकी जीरो अभी बैठ बैठ रही है। नेक्स्ट 5 मिनट में, मीन्स 5 से 10 मिनट में, वो 15 मिनट में कार ट्रैवल 3 to 7 किलोमीटर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई। तो पहले 3 किलोमीटर तक चली, फिर 7 किलोमीटर चली, मीन्स पहले 10 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर ही चल पाई कार, सही है? जैसे पहले 9:30 बजे 9:15 को मार्केट चालू हुआ, तो 9:15 से 1 बजे तक वो ऑप्शन का भाव 0 से 3 रुपया ही हुआ। ओके, बट नेक्स्ट 5 मिनट ऐसा भी हो सकता है, इन 5 to नेक्स्ट 15 मिनट, लाइक 5 मिनट में स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। ओके, तो स्पीड बढ़ेगी तो 3 से 7 किलोमीटर तक वो चली जाएगी, राइट? तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो गामा का आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाएगा डेल्टा के अंदर। ओके, तो चेंज इन डिस्टेंस से तो 4 किलोमीटर हुआ, और चेंज इन टाइम कितना हुआ? 5 मिनट में हमने कितना किलोमीटर कवर किया? 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन के भाव प्राइस भी जितना टाइम चेंज हुआ उसके हिसाब से ये चेंज होता है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? तो 4 डिवाइडेड बाय 5, तो उसकी आपको स्पीड निकालती है। एक एक घंटे में कितना? तो 48 किलोमीटर पर आवर आपको उसकी स्पीड मालूम हो गई कि हम इस स्पीड से चल रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी है ना वो ये है, ठीक है? वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब मालूम होगा आपको। देखो, तो एक्सीलरेटर गामा क्या है? एक्सीलरेटर है कि डेल्टा को कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा ना वो। अब गामा की वैल्यू देखोगे ना तो आपको मालूम हो जाएगा, राइट? वो अभी ऑप्शन चेन में हम देखते हैं उसके इसके बाद में। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है नहीं तो अभी स्थिर है, लेकिन जैसे मार्केट चालू हुआ तो टाइम लैप्स हुआ, तो 0 to 10 मिनट में 10 मिनट हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या थी? कि 48 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी। तो इनिशियल 0 थी प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज मिला। तो 0 से 48 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 96 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। तो इन रियलिटी एक्सीलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। जैसे हम देखते हैं कि भाव एक ही स्पीड से नहीं बढ़ते, कभी कभार बहुत हाई हो जाते हैं और कभी कभार बहुत लो भी हो जाते हैं। जैसे गाड़ी आप चलाते हो, बीच में ट्रैफिक आ गया तो आप क्या करोगे? ट्रैफिक मानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जैसे वहां पे मार्केट होल्ड कर रहा है। ओके, और वहां जब वहां पे मार्केट होल्ड करता है तो क्या होगा? ऑप्शन की प्राइस वहां पे स्टॉप हो जाएगी या कांस्टेंट रहेगी, मीन्स वहाँ ऊपर नीचे घूमती रहेगी। फिर क्या होगा? फिर से वो अगर उसने वो जैसे रेलवे का फाटक आया, मानी एक रेजिस्टेंस आया और रेलवे का फाटक खुल गया, ओके, तो और आगे रोड क्लियर है पूरा, तो क्या करोगे? पहले थोड़ा ट्रैफिक में गाड़ी धीमे धीमे चलेगी, फिर जूम करके ऊपर चले जाएगी। तो ऑप्शंस के भाव में भी ऐसा है।
एक प्रॉपर रेजिस्टेंस आया, ओके, वो समझ लो कि वो गाड़ी का एक रेलवे का फाटक है, वहां पे आके रुक गया हमारा ऑप्शन का प्राइस। अगर वो तोड़ दिया वहां से या खुल गया बराबर, तो क्या करेंगे पहले लोग सेफ जी सेफली क्या करेंगे, ट्रैफिक ज्यादा है तो धीमे धीमे बढ़ेगी बराबर, और अगर आगे रोड एकदम क्लियर होगा और हम अकेले ही होंगे गाड़ी चलाने वाले, तो जूम करके सब स्पीड में आगे बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन की कैंडल भी वैसे ही ब्रेकआउट देती है बराबर है। कोई भी ऑप्शन सोचो या फिर आप अपना कोई भी स्टॉक सोच देख लो, वैसा ही होता है उसके अंदर। तो गामा इज द फर्स्ट ऑर्डर चेंज इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कैप्चर्ड बाय वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन इज कैप्चर्ड बाय डेल्टा। ओके, तो डेल्टा का प्रीमियम कितना चेंज होगा वो हमें कौन बताएगा, गामा। ओके, सो चेंज इन डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन, अंडरलाइंग मतलब क्या होता है कि भाई निफ्टी या कोई भी फ्यूचर। ओके, तो गामा से होता है, तो गामा वो क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। अब देखेंगे गामा का कैलकुलेशन क्या है। ओके, तो मोर टाइम रिमेनिंग द मोर स्टेबल द गामा इज, जैसे एक्सपायरी बहुत दूर है तो गामा वो स्टेबल है। तो हम नहीं बोलते कि मैं मंथली एक्सपायरी में क्यों ट्रेड करता हूँ, वीकली में नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थोड़ी स्टेबल है, उसमें गामा का इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। ओके, तो क्या कि वो भी धीमे धीमे प्लस माइनस होगा। तो क्या होगा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पहले ही दिन मंथली एक्सपायरी का शॉर्ट ट्रेड लिया है फॉर एग्जाम्पल, और दूसरे ही दिन अगर बड़ा गैप डाउन हुआ जैसे लास्ट टाइम हुआ था, एक्सपायरी आई फिर दूसरे दिन 300 या 400 पॉइंट का निफ्टी में फॉल आया, लेकिन शॉर्ट ट्रेडर में नुकसान ही नहीं था, आपने रिपोर्ट देखना उस टाइम, क्यों, क्योंकि उस टाइम ये कंट्रोल था, गामा का नॉलेज था हमें, थीटा का भी नॉलेज था, 30 दिन बाकी थे एक्सपायरी के। ओके, और अभी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिट में चल रही है, वो आपको कल पोस्ट कर दूंगा उसका, जो भी मैं आई थिंक रेगुलरली पोस्ट करता हूँ मेरी मंथली एक्सपायरी के P&L, लेकिन फिर भी एक बार इस आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो क्या है कि हमें ये क्रिक्स का नॉलेज है, इसके लिए हमने क्या किया, सेफ जो ट्रेडिंग था वो चूज किया, क्योंकि अगर कल 500 या 600 पॉइंट डाउन होगा निफ्टी तो भी हमें कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और अगर हमारा व्यूकली चेंज हो गया और राइट, तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट कर पाते हैं, हमारे पास इनफ टाइम है, तो हमारा लॉस नहीं होगा। ओके, सो अ कंफर्टेबल पोजिशन इज टू बी टेकन लॉन्ग स्ट्राइक बिलो द मार्केट एंड शॉर्ट स्ट्राइक अबोव द मार्केट, जैसे OTM की बोला है कि एज्यूमिंग डेल्टा इज न्यूट्रल, राइट। तो गामा, जैसे डेल्टा किसी का 0.3 है और गामा उसका 0.025 है और स्पॉट प्राइस है 8,326। ओके, स्पॉट मानी अभी जैसे कोई भी अंडरलाइंग 8,326 पे चल रहा है, उसका डेल्टा मानिए, OTM कॉल की बात हो रही है, उसका OTM है 0.3, डेल्टा क्या है 0.3, और उसका गामा कितना आ रहा है 0.0025। ओके, स्ट्राइक है कितना 8,400, क्योंकि क्या किया हमने, OTM में कॉल किया ना, ये स्पॉट है 8,326, स्ट्राइक है 8,400, तो प्रीमियम कितना हुआ 26 रुपीज़ हुआ। नाउ एक्सपेक्टिंग चेंज इन प्रीमियम, हमें क्या है कि सिर्फ 70 रुपीज प्रीमियम अब जाएगा। ओके, तो डेल्टा में कितना चेंज आएगा, तो 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 70। पंकज का क्वेश्चन था कि सर ओके इंग्लिश क्वेश्चन है कि इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, मैं इंग्लिश में ना स्पेशल एक रिकॉर्ड करके भेजूंगा आपके लिए संपत, आई विल डू द स्पेशल लेक्चर इन इंग्लिश रिकॉर्ड एंड विल सेंड टू यू, अदरवाइज यू नो पर्सनली वी विल डू द थिंग, ऑलराइट। सो न्यू डेल्टा कितना होगा, चेंज इन डेल्टा, तो डेल्टा क्या है, व्हाट इज द डेल्टा इज 0.025 इज द गामा, नाउ चेंज इन प्रीमियम इज 70 पॉइंट्स, तो 0.0025 to 70 इज इक्वल टू 0.175, तो न्यू डेल्टा कितना, तो डेल्टा चेंज होगा। पंकज का क्वेश्चन था कि सर स्पॉट प्राइस चेंज हुई
तो डेल्टा चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा इतना चेंज होगा, तो दैट इज द परफेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो न्यू डेल्टा इज दिस वन. नाउ कोई आई थिंक शुभांगी माइक ठीक है, तो शुभांग ही सब एक्सप्लेन करेगा. आर यू ओके शुभांग? हेलो या एनीबॉडी? हाँ इसीलिए बोलता हूँ. अभी हम क्या करेंगे टू? ओके ओके, नहीं आप श्योर श्योर, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ. अगर आगे अगर ये अंडरस्टैंड हो रहा है तभी हम आगे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे. जैसे समझ लो, हम अभी समझ लो कि आप लाइव हो मेरे पास और हम दोनों बात कर रहे हैं. तो देखो, गामा है उसका 0.0025, 0.3 डेल्टा का, ठीक है? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ओटीएम कॉल है किसी का, राइट, तो उसका डेल्टा है 0.3 होगा. हेलो शुभम, ओके, ओटीएम का 0.3 होगा, गामा होगा उसका इतना. ओके मैं अभी ऑप्शन चेन भी बताऊंगा आपको, एक मिनट, ऑप्शन चेन में ही बता देता हूं आपको, चालू रखना. ओके जैसे ये है, क्या है, स्ट्राइक है, बराबर. ओके ये गामा है, यहां पे दिखाई दे रहा है. हेलो ओके, तो ये गामा वैल्यू है. हाँ ओके, तो ये गामा वैल्यू है ना, वो चेंज क्या करती है, डेल्टा को चेंज करती है स्ट्राइक प्राइस चेंज होने के बाद, समझे? तो ये गामा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि डेल्टा कितना चेंज होगा, सही है ना? तो वो डेल्टा कितना चेंज होगा ना, वो हमें क्या बताएगा, गामा बताएगा कि अगर स्ट्राइक यहां से यहां आ गई तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा, समझे? जैसे आपका व्यू बेरिश है तो 17,500 चल रहा है और 17,350 तक मार्केट जाएगा आपके व्यू से, तो उसका डेल्टा कितना होगा, तो वो हमें गामा से मालूम होगा. ऑलराइट ओके, तो वो कैलकुलेशन ये है कि डेल्टा है 0.3 ओटीएम का, ओके, और गामा है 0.0025, और अभी स्पॉट थे 8,326, डेट मीन्स, और उसका स्ट्राइक है 8,400, तो ओटीएम हुआ ना 0.3, ओके, और उसका प्रीमियम चल रहा है 26 रुपीज. जैसे हमें कोई ट्रेड करना है तो 0.3 डेल्टा का प्रीमियम कितना है, तो बोले कि भाई 26 रुपये का मिल रहा है 0.3 डेल्टा, ओके, ओटीएम कॉल. ओके अगर हमें क्या कि भाई उसका प्रीमियम 17 रुपये अप जाएगा, 70 रुपीज प्लस होगा, तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कि जैसे अभी डेल्टा क्या आएगी 0.3 है, ओके, तो अभी तो 0.3 है, लेकिन अगर 70 पॉइंट अप गया तो वो डेल्टा कितना होगा, तो वो हमें गामा गामा से मालूम होगा. तो 0.0025 ये गामा है, जैसे हमने ऑप्शन चिन्ह में बताया, तो दिस इज गामा मल्टीप्लाई बाय 70, मीन्स अपने हमारा जो व्यू था वो. ओके तो गाड़ी चलाने के जैसे पहली गियर दूसरी गियर या कितनी स्पीड में गाड़ी जाएगी, तो हम कितने दूर तक जाएंगे ना, वो हमें गामा बताएगा, सही है ना? कि जैसे 0.025 उसका एक्सीलरेशन रेट है और 70 रुपीज मेरा व्यू है कि 70 रुपीज अब जाएगा. ओके तो क्या होगा कि 0.175 का डेल्टा के अंदर चेंज आएगा, तो 0.3 प्लस 0.175 मतलब उसका नया डेल्टा 0.475 मतलब नियरली 80 आ जाएगा. ऑलराइट हाँ 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 परफेक्ट परफेक्ट हाँ अब भाई ना, मुझे आई थिंक पहले सेशन में भी एक बंदे ने पूछा था कि साहब आप इतने दूर से पहले ऑप्शन लेते हो फिर भी वो इतना क्यों बढ़ जाता है. हाँ मुझे पास मालूम है कि कितना ये गामा गामा है, तो इसका नया डेल्टा इतना होगा, तो मेरी अंडरलाइन की प्राइस इतनी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा से मुझे अंडरलाइन की प्राइस भी मिल जाएगी ना.
जैसे हमने अभी देखा कि ओटीएम में है और ये एडजस्टमेंट में भी यूज होता है बहुत अच्छी तरह से। जैसे कोई बोलता है डेल्टा न्यूट्रल चाहिए, तो जैसे आपकी स्ट्रेटजी का पूरा डेल्टा 0.3 है और पॉइंट स्ट्रेटजी का डेल्टा पूरा 0.4 हो गया चेंज होके, बराबर, तो आपको किस से एज करना है, तो 0.4 डेल्टा से ही एज करना है ना फिर स्ट्रेटजी को। तो फिर आपका क्या मार्केट बढ़े या घटे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो जैसे क्या है कि रूल्स क्या है कि अगर 1/3 डेल्टा चेंज होता है अपने हिसाब से, तो आफ्टर 1/3 डेल्टा यू हैव टू स्टार्ट यू नो एडजस्टिंग। जैसे डे ट्रेडिंग कर रहे हो और कोई सेलिंग कर रहा है और उसका डेल्टा 1/3 चेंज हो गया, तब एडजस्ट करो, वरना बैठे रहो शांति से, उतना तो प्लस माइनस होगा, बराबर ना। परसेंटेज नहीं, ये वैल्यू है, परसेंटेज नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ऑप्शन चेन की, सॉरी। हाँ 1/3, जैसे देखो कि अभी 0.5 डेल्टा के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे आपके एटीएम ट्राई का आपने सेल किया हुआ है, जैसे समझो कि फॉर एग्जांपल सेल करते हैं लोग ओटीएम, बराबर, तो डेल्टा 0.3 डेल्टा आपने सेल किया है, राइट, तो 0.3 का 1/3 कितना हुआ, नियरली 1 हुआ, 0.1, हाँ वही तो ट्रेडिंग है। टेन डेल्टा तो होता ही नहीं है भैया, 0.5 से ज्यादा कहाँ डेल्टा होता है, हाँ 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 ओके ओके नहीं, अगर आप स्ट्रेटेजी यूज करोगे ना शुभांग, तो इतना ये नेकेड का अलग है, लेकिन मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्ट्रेटेजी का डेल्टा अलग होता है, आपको देखना है स्ट्रेटेजी का डेल्टा, एक मिनट सबको बता देता हूं, चलो लाइव एक बार देख लेते हैं। जैसे देखो आपने ये 70,500 का डेल्टा 0.53 है, बराबर, तो आपने जैसे शॉर्ट ट्रेडल किया, तो इसका डेल्टा है ना वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल का 1/3 होगा ना, अगर आप डे ट्रेडर हो एग्जांपल, राइट, और इसका डेल्टा 1/3 हो गया ना, तब आप एडजस्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, समझे आप मेरी बात, हेलो ओके। और अगर आप नेकेड बायर हो या नेकेड सेलर हो, तो आपने देखो जैसे पॉइंट 0.5 है आपका डेल्टा, ओके, जैसे आपने क्या किया है इन द मनी बाय किया है, यहां से आप क्या करते हो, सॉरी इन द मनी बाय करते हैं ना हम लोग, ओके, तो हमारा खतरे का घंटी कब है, जब हम ओटीएम आ जाए, जैसे ये 0.5 डेल्टा है, ओके, और यहां पे हमने बाय किया है 0.7 डेल्टा, ओके, और निफ्टी गिरा 17,350 तक, यहां पे आ गया, तो यहां तक आप सेफ हो, क्योंकि अभी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना इन द मनी की, ओके, तो यहां तक आप बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने क्या क्या किया है, ये किया है, बराबर, बट एज सून एज ये डेल्टा 0.5 हो जाएगा ना, तब आपको दूसरा 0.2 डेल्टा का यहां से कुछ करना पड़ेगा, समझे, हाँ 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 जैसे एक्चुअली ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनती ही ऐसी है, पहले नेकेड करो, अगर आपका व्यू गलत हुआ तो फिर दूसरा डालो, फिर तीसरा डालो, उसी से ही स्ट्रेटेजी बनती है, लेकिन यू नो सब जिसको स्ट्रेटेजी का बायट सब मालूम है ना, वो लोग पहले से ही स्ट्रेटेजी यूज कर देते हैं, राइट, फॉर, हाँ देखो मैं बताता हूँ अभी, देखो इसका ओआई कितना है, ये रहा इतना हुआ है, 17,400 का पुट सेल हुआ है यहाँ पे, ये हुआ है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई ज्यादा हुआ तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर है ना पुट के, और 17,600 में क्या है 26,17,000, तो आज
13 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे वाई स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला बाय करने का सेफ है कि नहीं है, सेफ है ना। तो इसका डेल्टा कितना है, 0.6। ओके, अगर ये बाय चांस इसको ब्रीच कर देगा, क्या कर जाएगा, ब्रीच कर देगा, तो हम यहां पे आ जाएंगे ओटीएम पे, तो एटीएम में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही ना, तो आइदर हमें लॉस बुक करना है या इसको हेज करना है। व्हाट मी, तो ये डेल्टा कितना चेंज होगा ना, अगर आपको देखो परफेक्टली आपका व्यू है कि भाई चलो अभी निफ्टी गिरेगा कितना, यहां तक तो आएगा एग्जाम्पल, ओके गिरेगा, राइट। तो आपने क्या किया, यहां पर वाई किया है डेल्टा 0.6, और यहां तक जाएगा तो ये शिफ्ट होगा यहां तक, वो ऑप्शन यहां नीचे आएगा ना तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसका डेल्टा हो जाए तो पुट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, समझे आप मेरी बात, क्योंकि ये ओटीएम इन द मनी हो जाएगा, तो इसका डेल्टा ज्यादा होगा तो इसका नीचे भी ऑटोमेटिकली सब शिफ्ट होता जाएगा ना कैलकुलेशन। तो वो कैलकुलेशन कैसे होता है ना, वो गामा से होता है। तो ये गामा कितना चेंज होगा ना, तो गाड़ी कितनी स्पीड में जाएगी, जैसे आपका जैसे आज क्या है कि जैसे यही रिसेंट एग्जाम्पल देखते हैं, 16 दिसंबर की एक्सपायरी देखते हैं, ठीक है। तो 16 दिसंबर की एक्सपायरी में क्या हो रहा है अभी, कि यहाँ का ओआई है 7600 का ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस हुआ, ओके, और ये क्या हुआ, सपोर्ट हुआ, ओके। तो सपोर्ट पे आएगा तो क्या होगा, प्राइस होल्ड करेगा, या तो गिरेगा या तो बढ़ेगा। अरे 17400 के ऊपर उसने सपोर्ट ले लिया और 17420 आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो ना, परफेक्ट। और उसका टारगेट कितना हो सकता है, 17500 तक का, सही है ना। जैसे वैसे सबकी कैलकुलेशन अलग होती है, कोई प्राइस एक्शन यूज करता है, लेकिन ये सिर्फ मैंने वाई के हिसाब से ही बोल रहा हूं अभी। तो वो कितना चेंज होगा ना आपका प्रीमियम, अगर वो आपको मालूम है ना, तो आप ये सब डेल्टा गामा की कैलकुलेशन से आपको मालूम होगा कि ऑप्शन की प्राइस में ये प्राइस ट्रेड करूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा और इतना स्टॉप लॉस आएगा, तो अगर मैं यहां से ट्रेड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट टारगेट इतना आएगा, समझे। तो वो सब कैलकुलेशन आप गामा से कर सकते हो। वो जैसे आज मैंने लिखा था प्राइस एक्शन के हिसाब से होता है सब, और सभी के अलग अलग सेटअप होते हैं। हाँ जैसे मैं चलो ये निफ्टी का बता देता हूँ आपको, ये क्या था, ये पैटर्न बना था यहाँ पे बराबर, तो यहाँ पे नीचे सेल करना था ना हमें, ओके। तो यहाँ पे नीचे सेल करना था, तो पहला टारगेट क्या था, स्विंग लो था यहाँ पे, तो हमें क्या करना था, यहां से क्या करना था, ऊपर का कॉल सेल करना था, वो परफेक्ट था ना ट्रेड बराबर, या यहां से पुट बाय करना था, ऐसा कुछ था। लेकिन यहां से अगर मार्केट रिवर्स आ रहा है बराबर, यहां से तब आपको एडजस्टमेंट चालू करना पड़ेगा यहां से। और अगर आप सेलर हो तो आप तो सेफली बैठे रहो ना, क्योंकि आप तो अभी ओटीएम के अंदर ही हो, आपका तो ठीटा डीके हो रहा है बराबर। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट यहां पे अचीव हो गया। फिर क्या हुआ, ये सपोर्ट लाइन थी ये वाला 17673, वो तो स्ट्रेट अवे ब्रीच हो गई ना यहाँ पे बराबर। अभी क्या हुआ, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ, हमने बोला था, तो हमने आइडेंटिफाई किया था ना, राइट। फिर यहाँ पे क्या था, ओके, फिर यहाँ से ऊपर गया, और ये क्या कर रहा है अभी, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है ना ये हेड एंड शोल्डर का, तो 17,000, तो ये इन शॉर्ट क्या ऐसे व्यू बनता है। और अगर आप टाइम फ्रेम कम कर दोगे यहाँ पे बराबर, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम कम करते गए वैसे वैसे आपका ट्रेड का व्यू चेंज हो गया। जैसे हम आज की बात करते हैं, चलो आज की आ जाते 5 मिनट बड़ा हो सकता है। investing.com बराबर।
देखो आज क्या हुआ था, मैं आपको बता देता हूं, ये मार्केट गैप अप हुआ यहां से। हेलो, आप तो बोल रहे थे ना, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं, ये वाला गैप अप हुआ, लेकिन ये क्या था, रेजिस्टेंस था। ये आप छोटा मिस, आपको जो प्रॉपर करे दो ना, तो गैप एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये अभी दिखाना बाकी। लेकिन क्या हुआ, गैप अप हुआ और रेजिस्टेंस के ऊपर आया, तो रेजिस्टेंस के ऊपर आया और जैसी ये प्राइस एक्शन बनी, क्या बनी थी, बेरिश कैंडल बनी थी ना, तो लोगों ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और टारगेट क्या था, ये स्विंग लो था, पहला पहला ये था, यहां पे थोड़ा टाइम पास किया फिर ऊपर चला गया, देखो ये टारगेट था ना वो, तो ये ऐसे टारगेट निकालते हैं सब लोग। जैसे जैसे मीन्स आपका पर्सनल व्यू, जैसे अगर मैं अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, तो ये पहला टारगेट ही हिट हो गया, फिर ये नेकलाइन फिर से ब्रीच हुई तो दूसरा टारगेट ये था तो ये भी ब्रीच हो गया। ओके, फिर जैसे यहां पे आया तो रिवर्सल पैटर्न बना डाउन के अंदर, बीच में ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन ये क्या था, प्रॉपर सपोर्ट था, तो सपोर्ट के ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो वो कंसाइडर करना है, राइट। तो ये प्राइस एक्शन बना और कहाँ गया टारगेट, पहला टारगेट ये था वो भी हुआ, तो वहां पे ही होल्ड किया है, देखो ये यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वहां पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। फिर क्या हुआ है, उसको ब्रिज किया, गाड़ी का फाटक खुल गया, मैंने बोला था ना, तो वो कहाँ टच करेगा, डे आई को, डे आई के नजदीक पे, वो किया कि नहीं किया, तो वो रेजिस्टेंस हो गया। फिर तो यहाँ पे फिर लोगों ने क्या किया, फिर से प्रॉफिट बुक किया, फिर क्या किया, यहाँ पे बेरिश प्राइस एक्शन भी बना, तो नेक्स्ट टारगेट क्या था, बराबर, तो वो गया नीचे, ये वाला देखो एग्जैक्ट वो वीक देखो नीचे, बराबर, तो वो वीक्स बना, फिर ऊपर फिर से चला गया, ये भी प्राइस एक्शन हुआ ना मॉर्निंग स्टार जैसा, तो फिर ऊपर गया, फिर से वहां गया, गया फिर यहां आया, ऐसा सब हुआ हो रहा है ना ये। हाँ, तो इन शॉर्ट क्या है कि व्यू ऐसे बनते हैं भैया, ऑलराइट। तो कोई ओआई डेटा यूज करता है, कोई छोटी टाइम फ्रेम यूज करता है, कोई बड़ी टाइम फ्रेम यूज करता है, लेकिन वो व्यू एक पूरा अलग टॉपिक है। लेकिन वो व्यू से हमारा ऑप्शन का रेट कितना चेंज होगा ना, वो हमें ये सब बताते हैं। ओके, समझ गए, एनी क्वेश्चन? ओके ओके, हाँ बस बस, वो तो हमने, आप मेरा पहला सेशन 10 बार सुनोगे ना बराबर, तो आपका व्यू कभी गलत नहीं होगा, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ नहीं, वो मैंने स्ट्रेटजी के हिसाब से बताया देशिक, हाँ बराबर। देखो अगर आपने 0.2 डेल्टा सेल किया है ना, तो वो तो बहुत दूर की बात है ना, आप समझ रहे हो। ऐसे जैसे आपको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ ऑप्शन चेयर में कि 0.2 डेल्टा कहाँ पे आता है, तो अब आपको मालूम हो जाएगा बराबर कि 0.2 डेल्टा तो बहुत दूर की बात है, फार, वेरी फार, फार का भी बाप, बराबर। जैसे अभी हम आज की ऑप्शन चेयर में आ जाए बराबर, तो यहाँ 0.2 डेल्टा कहाँ पे है, ये मंथली में जाए बराबर, 30 दिसंबर, मैं वीकली में नहीं बोल रहा हूँ, तो ये 0.4 है, तो ये नियरली 17,000 के आजू बाजू हुआ। अभी हम कहाँ पे, तो 500 पॉइंट हुआ ना। अब आज का ही देखे तो 0.2 डेल्टा में कितना प्रीमियम मिला है, 13 रुपीज मिला है, पुट साइड डीके हुआ है। अभी हम कॉल साइड देखते, ये बराबर, इसमें भी 2 रुपया लॉस हुआ है ना, तो वो तो अपने हिसाब से थीटा डीके करेगा, क्यों, क्योंकि इसका थीटा इज ग्रेटर देन डेल्टा, मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि जब थीटा इज ग्रेटर देन डेल्टा होता है ना, तब ऑप्शन सेल करो, वो
समझे? ओके, जैसे यहाँ का 0.2 डेल्टा है और यहाँ का उसका थीटा, तो 0.7, तो 71 पैसा कम होगा और उसके हिसाब से 2 पैसा ही बढ़ने वाला है ऑप्शन। तो वो आपको ड्राइविंग करना आ गया, समझे आप? तो उसको सेल कर रहे हो आप। हाँ बोलो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं अभी बंद ही करने वाला हूँ क्योंकि बहुत लंबा नहीं खींचने वाला हूँ आज, सही है ना? राइट, ओके ओके ओके, बाय बाय। ओके, तो सो फार सो गुड। तो गामा कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा अभी, कि मैं एक बार फिर से बता दूँ? तो गामा है ना, वो डेल्टा कितना चेंज होगा ना वो बताएगा, और उसके हिसाब से हमें ऑप्शन का प्रीमियम मालूम होगा। और अगर हमें ऑप्शन का प्रीमियम मालूम होगा ना कितना चेंज होने वाला है, तो हम हमारा रिस्क डिफाइन कर पाएंगे उसके अंदर से। ठीक है, ओके। कोई पंकज? आई थिंक दैट तो माइक नहीं है। एनीबडी एल्स वांट टू एक्सप्लेन गामा? चलो, इन शॉर्ट गामा है ना, वो चेंज होगा ना उसके हिसाब से डेल्टा होगा। जैसे देखो, केस वन लेते हैं, डेल्टा 0.5 है पुट का, -0.5, और उसका गामा है 0.004, और 10 पॉइंट अंडरलाइन की चेंज हो रही है प्लस पॉजिटिव साइड। तो क्या 0.004 × 10 = 0.04, मतलब न्यू डेल्टा उसका हो जाएगा -0.46। ओके, उसी तरह से पुट का डेल्टा 1 है और केस 1 हो गया। तो ये गामा का कैलकुलेशन है, ये सिर्फ उसकी एसेसरीज दिखाई दे रही है, हमें उसका डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो गामा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। तो गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि डेल्टा कितना चेंज हो रहा है ना वो बता रहा है। तो डेल्टा, आज हमने क्या सीखा? डेल्टा सीखा, और गामा, डेल्टा डेल्टा कितना चेंज होगा वो हमें गामा बताएगा। ओके, और वॉलेटालिटी भी गामा को इम्पैक्ट करती है। तो गामा की कर्व ऐसे फ्लैट है, और वो वॉलेटालिटी की शार्प है, वो हम देखेंगे। ये है वॉलेटालिटी और ये है गामा। तो वॉलेटालिटी, और जैसे वॉलेटालिटी घटती है तो गामा भी कम होता है, वॉलेटालिटी बढ़ती है और गामा बढ़ता है, उसी हिसाब से क्या, जब वॉलेटालिटी बढ़ती है तो कॉल और पुट दोनों के भाव बढ़ते हैं। क्योंकि जब वॉलेटालिटी बढ़ती है तो गामा बढ़ता है, और जब गामा बढ़ता है कॉल और पुट का, तब दोनों का प्राइस अप होता है। और जैसे ही वॉलेटालिटी कम होती है तब क्या होता है, गामा कम होता है, और जैसे ही गामा कम होगा तो कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम कम होगा। जैसे आपने किसी को मालूम होगा कि रिजल्ट आता है तब वॉलेटालिटी थोड़े दिन पहले बहुत हाई होती है। ओके, तो समझो कि ये रिजल्ट का दिन है, तो रिजल्ट के पहले वॉलेटालिटी बढ़ जाती है कॉल और पुट दोनों की। ओके, तो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रेडल यूज करते हैं रिजल्ट के बाद, क्योंकि उनको क्या ये मालूम है कि आफ्टर रिजल्ट सबकी एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएगी, तो वॉलेटालिटी घट जाएगी। तो वॉलेटालिटी जैसे ही कम होगी वहां पे क्या होगा, गामा कम होगा, और गामा का बोल कम होगा तो डेल्टा भी कम होगा, तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम कम हो गए। अगर स्टॉक बढ़ भी रहा है ना तो भी कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम कम होंगे, और जो भी प्रॉपर ट्रेडर है ना वो इन पर्टिकुलर टाइम लिमिट, लाइक सर्टेन टाइम होता है, विंडो होता है कि जब ये दोनों यहाँ पे मीटअप हो जाते, तो इस वक्त तक या वॉलेटालिटी जब उनकी नॉर्मल हो जाए तब क्या होता है, वो लोग निकल जाते हैं। अगर अगर किसी को मालूम नहीं होगा और ये कर्व को क्रॉस होने दिया उन्होंने, तो फिर उसका लॉस चालू हो जाता है। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन चेन, और हमने देखा कि गामा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रहा गामा। ओके, तो ये गामा है एटीएम का 0.003। फिर क्या हुआ, ऊपर गए तो भी कम होता है, नीचे गए तब भी कम। तो गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे है, जैसे डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है तो उसके पास गामा भी ज्यादा है, और डेल्टा की वैल्यू कम है तो उसके पास गामा भी कम है। उसी तरह से नीचे भी ऐसा है कि यहाँ पे गामा की वैल्यू कम है, गामा की वैल्यू कम है, तो डेल्टा भी उसी तरह से चेंज होगा यहाँ पे भी, दोनों साइड ऐसा है ऊपर नीचे। तो गामा मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एटीएम में,
और जैसे भी आप ऊपर चलते जाए या उसके नीचे आते जाए, बराबर, तो क्या होता है, वो डिक्रीज होता रहता है, तो इसको बोलते हैं कर्व। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर दूसरा या सैटरडे या संडे को करेंगे। कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? ओके। और अगर किसी को कोई एक्सप्लेन या ऐसा कुछ करना है वॉलंटरीली तो बोल सकते हो, वरना हम एंड करते हैं सेशन और फिर कल दूसरा करेंगे सेशन, ठीक है? हाँ, श्योर श्योर। हाँ, यस, हाँ, सही है। देखो, मंथली, जैसे मंथली मंथली में भी आप देख, आपका ऑप्शन बहुत क्लियर है कि जैसे शार्प अप मूव आ रहा है, आएगा किसी में अंदर, तो भी आप कॉल बाय करोगे ना मंथली के अंदर भी। समझ रहे हो मेरी बात? आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, आपका व्यू क्लियर करो कि आप बुलिश हो कि बेरिश हो। अगर आप बुलिश हो, अगर तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको फ्यूचर का पूरा फ्यूचर अगर आपको बाय करना है तो आपको प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा ना। और अगर आप 17,250 का ही यहाँ पे कॉल ले लोगे तो उसका डेल्टा 0.7 है, तो आप सेफली क्या करोगे, नियरली 1 का भी आप 0.9 डेल्टा भी परचेस कर सकते हो वहां पे। तो उसमें आपको दिक्कत क्या है, मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, क्योंकि आपको फ्यूचर बाय करना है या कॉल बाय करना है, तो उसके हिसाब से डेल्टा चूज करो आप। समझ रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम है अभी इसके अंदर भी? देशिक, जैसे आपको मंथली, सॉरी, हाँ, जैसे आपको मंथली चूज करना है तो आप ITM चूज करो मंथली के अंदर, ग्रेटर देन 0.7 डेल्टा। हाँ, तो आपको नियरली नियरली 1 हो गया ना, मीन्स 0.20 पैसा का, मीन्स आपको थोड़े प्रीमियम के अंदर एक पूरा लॉट आ जाएगा आपके अंदर। या अगर आप दो कॉल बाय करोगे तो आपके पास डेड कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, समझे? और वो सेफ भी है यहां से, इफ योर व्यू इज बुलिश। कुछ लोग क्या करते हैं, ITM पुट भी बाय करते हैं। जैसे आपको किसी को लगता है कि अभी चलो भाई बेरिश प्राइस एक्शन बन गया, राइट, और मुझे अभी बाय करना है पुट, तो लोग जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, इसके दो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, पांच कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और जिसको डेल्टा का नॉलेज है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ वॉल्यूम किसका ज्यादा है। तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है 4 लाख, ओके, और यहाँ पे OI भी बढ़ा हुआ है, तो ये लोग क्या करेंगे, 233 रुपये का प्रीमियम, मीन्स 0.7 के आजू बाजू ही डेल्टा परचेस करते हैं सब लोग लॉन्ग के लिए, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है विनिंग रेट की। क्योंकि वो 200, मीन्स ये तो मैं वीकली दिखाया, लेकिन मंथली में देखोगे ना तो पिक्चर पूरा चेंज हो जाएगा डेल्टा का यहाँ यहाँ पे, समझे? हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो ऑनेस्टली। ये तो कॉन्सेप्ट है भैया, ये मेरा पेड वर्जन है। हाँ, एक्चुअली ये सब सॉफ्टवेयर बाय करने पड़ते हैं, लेकिन अगर ये आपको फ्री में देखना है ना तो आप शेर खान या सभी में बताता है, लेकिन इसमें क्या है कि मैं स्ट्रेटजी बिल्डअप और वो सब बैक टेस्टिंग ये सब होता है, इसी के लिए मैंने ये परचेस किया हुआ है, और मेरा बहुत लंबा सब्सक्रिप्शन है इसके साथ। पहचानते हैं मुझे ये लोग सब, पर्सनली पहचानते हैं मुझे, एक्चुअली मैं इनकी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हेल्प भी करता हूँ कुछ कुछ कभी कभी, जैसे कोई भी सजेशन है तो हम ईमेल करते हैं, तो वो लोग अगर अच्छा लगे तो वो लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं उसके अंदर, सही है ना? बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है इसमें, लेकिन क्या है कि ये सिर्फ देखने के लिए, आपके नॉलेज के लिए है, सही है? यानी अगर कोई दूसरा सजेशन हो तो बोलो, वरना हम एंड करते हैं, ठीक है? कैन आई एंड? ओके देन, सी यू लेटर, कल या सैटरडे या संडे मिलते हैं फिर। थैंक्स, बाय बाय, बाय बाय।